डॉक्टर विकास भालेराव सर, मेरी प्लीज। आवाज आ रही है सर आपको? हाँ सर, मेरी आवाज आ रही है ना प्रॉपर? हाँ, यस यस, ओके सर, कंप्लीट। डॉक्टर विकास भालेराव सर जो है वो अभी महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ जो है महाराष्ट्र में, वहाँ पे असिस्टेंट प्रोफेसर है। और मैंने जो बताया कि 10 साल उनके पास एक्सपीरियंस है मशरूम की खेती का, बहुत सारे लोगों को उन्होंने ट्रेनिंग भी दी है, रिसर्च किया है, बहुत मतलब बहुत वास्ट इनके पास नॉलेज है। जो भी आपके क्वेरीज होगी, जो क्वेश्चन होंगे, आप कमेंट बॉक्स में मैसेज करो, अनम्यूट करने की जरूरत नहीं, मैं उनको लास्ट में डिस्कस करूंगा। और अभी मैं उनको रिक्वेस्ट करता हूँ कि हमारे जो किसान है, जो 17 जिला में से 110 जितने किसान हमारे साथ जुड़े हैं और उसमें से 5 महिला किसान भी है, उनको तो सबसे पहले मैं बधाई देना चाहता हूँ कि उनकी तो खास जरूर है ऐसी चीजों में। तो मैं डॉक्टर विकास भालेराव सर को रिक्वेस्ट करता हूँ कि आपका जो प्रवचन है वो चालू कीजिए सर, प्लीज। थैंक यू डॉक्टर योगेश सर जी। सभी किसान भाइयों को मेरा सच्चा प्रणाम। मैं डॉक्टर विकास भालेराव, असिस्टेंट प्रोफेसर प्लांट पैथोलॉजी फ्रॉम महात्मा फुले कृषि विद्यापीठ राहुरी, जो महाराष्ट्र में है, वहाँ पे काम करता हूँ। मैं आपको आज ढींगरी मशरूम की जो जानकारी है, उसका कल्टीवेशन कैसे करते हैं, उसकी उगाई कैसे करते हैं, इसके बारे में आपको सविस्तर से और प्रैक्टिकली बता दूंगा। नेक्स्ट प्लीज। सो नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। हेलो। हाँ, तो किसान भाइयों, सबसे पहली चीज ये है कि जिस चीज का आप कल्टीवेशन करना चाहते हैं, जिसको आप उगाने जा रहे हैं, वो चीज क्या है, वो आपको जब तक अच्छी तरह से पता नहीं है, तब तक आप उसका अच्छी तरह से ख्याल नहीं रख सकते। अब ये मशरूम क्या है, जिसको हिंदी में हम खुम्ब बोलते हैं, या हिंदी में हम उसको जो खुम्ब बोलते हैं, और कॉमन नाम से ये मशरूम नाम से प्रचलित है। इसको ग्रामीण भाग में या आपके जो खेडूत है वहां पे कुकुर मुत्ता नाम से भी जाना जाता है। ऐसी कहावत है कि कुत्ते ने खराब करने के बाद उस पे जो गुच्छत रहते हैं उसको हम मशरूम बोलते हैं, बट वैसी कोई बात नहीं है, ये सब पुरानी बातें हैं। ये जो मशरूम है कैसा दिखता है, जैसा हमारा छाता रहता है। आपने देखा होगा कि बारिश के महीने में जब पहला बारिश होता है, तो बारिश होने के बाद जहाँ पे कुछ काड़ी कचरा पड़ा हुआ है, या कहाँ पे कोई आप जंगल में देखेंगे, ये सारे के सारे जो मशरूम है ये खाने योग्य नहीं होते। उसमें से जो खाने योग्य मशरूम है, उन मशरूम्स को लाके लैबोरेटरी में उसका परीक्षण किया जाता है, और अगर वो खाने योग्य हो तो उसका बीज बनाकर उसका जो कृत्रिम तरह से उसको कैसे हम उगा सकते हैं, इसके बारे में खोज की जाती है। तो जैसे हमारा छाता होता है जो हम बारिश में यूज करते हैं, उसी छाती की तरह ये मशरूम दिखाई देता है। बट कुछ मशरूम में क्या होता है कि उसका जो अलग अलग जो उसके पार्ट है, तो उसका कलर वगैरह अलग रहेगा, मीन्स उसका शेप अलग रहेगा, साइज अलग रहेगा। बट ज्यादातर मशरूम में ये छाते जैसा जो दिखाई दे रहा है वैसा आपको दिखाई देगा। अभी योगेश सर ने आपको जो स्लाइड दिखाई, उनमें से बहुत सारे मशरूम आपको इसी तरह के दिखाई दिए होंगे। नेक्स्ट प्लीज। देन मशरूम की खेती क्यों करते हैं? अभी आपको पवार सर ने बहुत अच्छी तरह से इंटरनेशनल लेवल पे मशरूम का क्या अभी स्टेटस है ये आपको बता दिया है, पर भी मैं 1-2 मिनट में आपको बता दूंगा कि मशरूम किस लिए हम उगाते हैं। तो एक तो एक अच्छी तरह का फूड है, फीड है और मैन्योर है, मीन्स इसको हम खाने के लिए उगाते हैं, सबसे पहली चीज ये है। और ये जो मशरूम है, इसकी खेती के लिए कोई हमें जमीन की आवश्यकता नहीं रहती। जो कुछ हमारे पास झोपड़ी है या हम बंद खोली में इसका जो उत्पादन है ये ले सकते हैं, और वर्टिकल स्पेस में हम इसका उत्पादन ले सकते हैं, मीन्स रैक्स लगा के एक के ऊपर एक 2 या 3 फीट का अंतर रख के हम उस पर कल्टीवेट करते हैं। तो जैसे पवार सर ने ऑलरेडी उनके भाषण में आपको बताया होगा कि कम से कम जगह पे हम ज्यादा से ज्यादा प्रोडक्ट का उत्पादन कर सकते हैं। देन पर यूनिट एरिया के और टाइम के हिसाब से ज्यादा प्रोटीन प्रोड्यूस कर देता है,
एंड ये हाईटेक हॉर्टिकल्चर वेंचर है। मीन्स हॉर्टिकल्चर में जैसे हम ग्रीन हाउस का यूज करते हैं, देन अलग अलग तरह के स्प्रिंकलर इरिगेशन, ड्रिप इरिगेशन का यूज करते हैं, उसी तरह मशरूम का कल्टीवेशन करना एक हाईटेक हॉर्टिकल्चर का भाग आता है। और इसकी वजह से जब जो भी किसान भाई इस मशरूम कल्टीवेशन में लग जाता है तो आप उसके ही खेत से, किसान के ही खेत में से जो कुछ निकला हुआ काड़ी कचरा है, आपने जो मशरूम का आपने आपने किसी भी खेत में आप जो कोई क्रॉप ले रहे हैं, उस क्रॉप को हार्वेस्टिंग करने के बाद आपके पास जो रह जाता है उसका यूज करके, उसको इस्तेमाल करके आप मशरूम उगा सकते हैं। तो एक एडिशनल इनकम सोर्स का आपको इससे एक जरिया मिल जाता है। नेक्स्ट प्लीज। तो मशरूम के जो हेल्थ बेनिफिट है, ये पवार सर ने तो ऑलरेडी बता दिया है, इसमें प्रोटीन है, देन इसमें कैलोरी, ये बहुत लो कैलोरी फूड है, यानी वो फैटी आदमियों के लिए अच्छा है। नेक्स्ट प्लीज। देन इसमें अलग अलग के कार्बोहाइड्रेट्स है, इसमें फैट कम है, सारे के सारे मिनरल जो आदमी के शरीर के लिए चाहिए वो सारे के सारे मिनरल्स इसमें है। देन इसमें फाइबर है, तो हाइपर एसिडिटी, कॉन्स्टिपेशन, ये जो कॉमन चलिए इसके ऊपर एक औषधि जो हम सकते हैं कि खाना वो हमें इससे मिलता है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट प्लीज। देन इसमें बहुत सारे विटामिन्स रहते हैं जो जनरली आपके वेजिटेरियन फूड में नहीं रहते। अगर आप गुजरात की बात करें तो गुजरात में वेजिटेरियन लोग बहुत सारे हैं। जितने सारे भारत में वेजिटेरियन लोग हैं उसमें से ज्यादा लोग आपके गुजरात में ही है। और वहां पे दिक्कत क्या आती है कि जो मांसाहार से यानी चिकन मटन से जो आपको कुछ विटामिन्स मिलते हैं, जिसमें बी कॉम्प्लेक्स होता है या B12 होता है, ये जो विटामिन्स है उसकी कमियां हरदम वहां के लोगों को दिखाई देती है। तो मशरूम जो एक वेजिटेरियन फूड है, एक पौधे की पौधे से उगता है, इसके लिए मशरूम एक अच्छे तरह का फूड हो सकता है। और इस अच्छे तरीके फूड को अगर आपने उगाया, अच्छे तरह से इसका मार्केट किया, तो आपके लिए नया इनकम सोर्स किसान भाइयों के लिए हो सकता है। नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये सारे भी अलग अलग किस्म के जो मशरूम है जो मैं आपको आगे बताऊंगा, तो ये अलग अलग किस्म के मशरूम में कौन सा न्यूट्रिशन रहता है वो उसको दिया गया है। नेक्स्ट प्लीज। नेक्स्ट, तो मेडिसिनल प्रॉपर्टी में ये एंटीऑक्सीडेंट होता है जिससे कि कैंसर नहीं होता। देना ये इम्यून सिस्टम जो आपकी प्रतिकारक क्षमता है, अभी देखिए कोरोना के इस माहौल में हर एक डॉक्टर और हर एक आदमी बता रहा है कि आपकी इम्यून सिस्टम बढ़ाइए। मीन्स आपकी जो प्रतिकार क्षमता होती है रोग को सहने की, उसको बढ़ाने का सबसे अच्छा काम सभी तरह के मशरूम करते हैं। वो आपका हिंदी मशरूम हो, आपका स्ट्रॉ मशरूम हो, शिटाके मशरूम हो, और ये मशरूम आपका अगर आप डेली डाइट में यूज करेंगे तो ये कैंसर की होने के चांसेस से वो कम हो जाते हैं। और एंटी वायरल फैक्टर है जैसे कि HIV वायरस है या पोलियो वायरस है, तो इसके खिलाफ ये अच्छी तरह से काम करता है, जो क्लिनिकली प्रूवन है, क्लिनिकली उसको उन्होंने क्लियर कर दिया है। नेक्स्ट प्लीज। ये बाकी के हर एक मशरूम में अलग अलग तरह के मेडिसिनल प्रॉपर्टीज रहते हैं, तो ये मैं आपको सब दे दूंगा। इसका बेनिफिट क्या है, मैं हरदम जब मशरूम की ट्रेनिंग लेता हूँ तो लोग बोलते हैं आप हमें ये बताइए कि उसको उगोना कैसे। ये तो कोई भी उगा सकता है, फार्मर कुछ भी खेती कर सकता है, उसको सिर्फ बीज दे दिया तो वो अपने हिसाब से एक्सपेरिमेंट करके खेती कर लेता है। बट खेती करने के बाद, किसी भी चीज का उत्पादन करने के बाद उसका मार्केटिंग कैसे करना है, वैसे मशरूम हमारे लिए नया नहीं है, 40-50 साल से उसका खेती इंडिया में, भारत में चल रहा है। बट लोगों को एक या दो ही मशरूम के जो प्रकार है उसके बारे में मालूम है। ऑयस्टर मशरूम जैसे जो जैसे जो मशरूम है, ये मशरूम के बारे में लोगों को कुछ पता नहीं है। तो जब आप इसको उगाएंगे तो लोगों को जब मार्केटिंग के लिए आपको इसमें क्या है, मेडिसिनल क्या है, आज अगर आप देखिए एडवर्टाइजमेंट यू, तो अगर मॉल में आप देखिए कि बहुत सारे एडवर्टाइजमेंट होती है, तो लोग क्या करते हैं, कुछ लेने जाते हैं चार दो चीजें और लेके आते हैं 20-40 चीजें। ये क्यों होता है कि ये मार्केटिंग की स्ट्रेटेजी रहती है। तो अगर आप जब उगाएंगे तो इसके लिए इसमें क्या है, कौन से न्यूट्रिशन है, से औषधि गुणधर्म है, ये आप जब लोगों को बताएंगे, इसको एक्सप्लोर करेंगे, तो मार्केटिंग में कोई दिक्कत नहीं आती। नेक्स्ट प्लीज।
सो नेक्स्ट प्लीज, सो नेक्स्ट प्लीज। तो खाने योग्य मशरूम कौन से हैं? तो सबसे पहले आता है ये वाइट, योगेश सर ने आपको स्लाइड में दिखाया कि भारत में सबसे ज्यादा जो मशरूम का उत्पादन व्हाइट बटन मशरूम का होता है। ये टेम्परेट मशरूम है, यानी इसको उगाने के लिए आपको दो तरह की चीजें लगती है। पहले तो इसको कंपोस्ट में उगाया जाता है, यानी कि आप जो खेती में यूज करते हैं कंपोस्ट, वो कंपोस्ट नहीं, तो आपकी खेती में जो निकला हुआ कूड़ा स्ट्रॉ हो, वीट स्ट्रॉ हो, मूंगफली स्ट्रॉ, उसमें पोल्ट्री मैन्योर डाल के उसका एक खाद बनाना पड़ता है और उस खाद पे मशरूम को उगाते हैं। दूसरी बात, इस मशरूम को आपको उगाने के लिए जो तापमान चाहिए, जो टेम्परेचर चाहिए, वो उसकी जो विजिटेटिव ग्रोथ है उसके लिए 20 20 से 24 डिग्री सेल्सियस तक का तापमान उसको लगता है। बट अगर इसको फल आने हैं, फ्रूट आने हैं, तो फ्रूट के लिए इसको 16 से 18 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान जरूरी होता है। जब तक आप इसको 16 से 18 डिग्री तक को लाते नहीं, तब तक आपको इसमें से कोई भी मशरूम बाहर नहीं आएगा। अब देखिए, इस तरह का तापमान भारत में उत्तरी भागों में, जहाँ पे पंजाब, हिमाचल प्रदेश, देन हरियाणा, कई ये अपना यूपी का कुछ पार्ट, बिहार का कुछ पार्ट, यहाँ पे जब नवंबर के बाद ठंड पड़ जाती है, तब वहाँ के फार्मर खेती में नेचुरल वो टेम्परेचर का यूज करके उसकी खेती करते हैं। बट हमारे यहाँ सेंट्रल इंडिया में, जैसे गुजरात है, महाराष्ट्र है, नीचे वाले सदर्न पार्ट के कर्नाटका और अदर एरिया है, यहाँ पे इस मशरूम की खेती करने के लिए हमें इन्वायरमेंटली कंट्रोल रूम्स, मींस जिसमें एयर कंडीशन का हमें यूज करना पड़ता है, एयर कंडीशन का यूज करना जरूरी होता है। उसके बिना यूज के आप मशरूम उगा नहीं सकते। ये सिर्फ व्हाइट बटन मशरूम के लिए है। नेक्स्ट प्लीज। तो दूसरा और सबसे महत्वपूर्ण, जिसके मैं बारे में डिटेल में बोलूंगा, वो है ऑयस्टर मशरूम, जिसको साइंटिफिक जिसका साइंटिफिक नेम है क्लोरोटस मशरूम। इसको हिंदी में धिंगरी मशरूम भी बोलते हैं या धिंगरी खुम्ब बोलते हैं। तो ये मशरूम की बहुत सारी प्रजातियां आपको मिलेगी, 24 या 24-25 इसकी प्रजातियां है। बट इसमें से उसकी जो चार जातियां है वो बड़ी पैमाने पे सेंट्रल इंडिया में, जो कि महाराष्ट्र है, गुजरात है, गुजरात में भी दो तीन फार्मर, मैं आपको उनके पते दे दूंगा, देन मध्य प्रदेश है, देन यहाँ पे नॉर्थ ईस्ट का रीजन है, यहाँ पे उगाई जाती है। तो उस वो कौन वो चार कौन सी है? तो वो उसमें पहली है प्लोरोटस साजर काजू, देन दूसरी है प्लोरोटस फ्लोरिडा, तीसरी है प्लोरोटस यूवोस, और चौथी है प्लोरोटस फेबुलेटस। और इसकी ग्रोथ रिक्वायरमेंट क्या है? तो आपके खेत में जो कुछ कूड़ा कचरा बाकी पड़ा है, देखिए कि आपने व्हीट लगा दिया, व्हीट का कल्टीवेशन यानी उसका हार्वेस्टिंग होने के बाद जो कुछ आपके पास व्हीट का स्ट्रॉ है, उसको एज इट इज यूज कर सकते हैं। इसको कोई कंपोस्ट बनाने की जरूरत नहीं, कुछ नहीं कुछ नहीं, आपको सिर्फ उसको लाना है, छोटे छोटे टुकड़े करके उसको इस्तेमाल करना है। देन ये जो है, इसके लिए आप 20 से 30 या 35 डिग्री तक किसी भी टेम्परेचर में उगा सकते हैं। जो रूम्स है वो भी सिंपल रहते हैं, किसी तरह से कोई एयर कंडीशन की उसको फैसिलिटी नहीं लगती। तो आपके यहाँ पे जो कुछ टेम्परेचर अवेलेबल है, उस टेम्परेचर में आप इस मशरूम को लगा सकते हैं। और मैं उसके बारे में, उसके रूम्स कैसे चाहिए, वो आप कैसे सिंपल कम से कम इन्वेस्टमेंट में कर सकते हैं, उसके बारे में भी जानकारी दूंगा। और इस मशरूम को जो ह्यूमिडिटी है, हर एक मशरूम को उगाने के लिए ह्यूमिडिटी ज्यादा लगती है, ह्यूमिडिटी मीन्स आर्द्रता। अब देखिए क्या है कि मशरूम हमका अभी तो नहीं दिखाई देंगे, जब कभी बारिश आएगी, बारिश में जब वहां पे गीलापन आएगा और ह्यूमिडिटी बढ़ जाएगी, तभी तो आपको नेचुरली मशरूम दिखाई देते हैं। सो हर एक मशरूम को जब आप आर्टिफिशियली या आप उगाते हैं रूम में, तो उसको जो टेम्परेचर लगता है वो टेम्परेचर 80 डिग्री से आगे का ही लगता है। नेक्स्ट प्लीज। तो तीसरा जो मशरूम है वो है दुधिया मशरूम, जिसको मिल्की मशरूम बोलते हैं, कैलोसाइबे इंडिका। ये तो हाई टेम्परेचर हाई ह्यूमिडिटी में, ज्यादा तापमान जहाँ पे और ज्यादा ह्यूमिडिटी है, जैसे कि राजस्थान का कुछ पार्ट एंड अब हमारे यहाँ साउथ के कर्नाटका, आंध्रा, तमिलनाडु यहाँ पे, और महाराष्ट्र में भी कोस्टल एरिया जो है, यहाँ पे कोंकण एरिया में, वहां पे ये मिल्की मशरूम उगाया जाता है। इसको हाई टेम्परेचर मीन्स कितना, तो 30 से 35 डिग्री
डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान इसके कल्टिवेशन के लिए लगता है और ह्यूमिडिटी जो है वो 85 से लगती है। और इसका सिंपल है, जैसे ऑयस्टर को किसी कंपोस्ट की चीज की जरूरत नहीं, उसी तरह इसको कंपोस्ट नहीं लगता। सिर्फ आपको जैसे ऑयस्टर का कल्टिवेशन करते करते है वैसे ही करना है। सिर्फ ये मशरूम जो होते हैं बहुत बड़े बड़े होते हैं, 200-250 ग्राम का एक मशरूम निकलता है और वो बटन मशरूम जैसा निकलता है, तो उसको निकलने के लिए सपोर्ट चाहिए। इसलिए हमें केसिंग लेयर सिर्फ 2 या 3 सेंटीमीटर माटी का, मिट्टी का, स्टरलाइज की हुई मिट्टी का देना पड़ता है। सिर्फ एक ही वो स्टेज एडिशनल है, बाकी के सब स्टेज जैसे ऑयस्टर मशरूम को आपको पढ़ाए जाएंगे वैसे ही है। नेक्स्ट प्लीज। देन आपका जो अगले वाला जो मशरूम है ये पैडी स्ट्रॉ मशरूम है। ये निसर्ग में सिर्फ पैडी स्ट्रॉप पे ही आएगा। किसान भाई जब पैडी का हार्वेस्टिंग करते हैं तो वो जो जिसको हिंदी में हम पुआल बोलते हैं वो उसको यहाँ वहां पे डाल देते हैं, तो बारिश आने के बाद वहां पे जो मशरूम उगता है उसको पैडी स्ट्रॉ मशरूम बोलते हैं। इसको हम चाइनीज मशरूम भी बोलते हैं क्योंकि चाइना में इसका कल्टिवेशन बहुत ज्यादा तरह से किया जाता है और वहां के लोग इसको ज्यादा खाते हैं। ये बहुत ही जल्दी आने वाला मशरूम है, 15 दिन में ये मशरूम हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाता है। और टेम्परेचर हमारे यहाँ पे जो है 25 से 35 डिग्री का जो नॉर्मली रहता है उसी टेम्परेचर में, और 80 डिग्री और 85 डिग्री के ज्यादा परसेंट के ज्यादा ह्यूमिडिटी में ये मशरूम हमारे यहाँ भी आ सकता है। हमारे यहाँ उड़ीसा या पश्चिम बंगाल इस एरिया में जहाँ पे पैडी यानी धान का बड़ी बड़े पैमाने पे कल्टीवेशन होता है वहां पे इस मशरूम का बहुत सारा कल्टीवेशन किया जाता है। नेक्स्ट प्लीज। तो अगर ये है शिटाके मशरूम, अभी ये वर्ल्ड लेवल पे सबसे ज्यादा उगने वाला मशरूम है, कल्टीवेशन किया जाने वाला मशरूम है। इसको जापानीज मशरूम भी बोलते हैं। ये बहुत सारा औषधि मशरूम है और इसमें न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी यानी औषधि गुणधर्म ज्यादा होने की वजह से इसका भी डिमांड बढ़ रहा है। ये इस मशरूम के उगाने के लिए भी 15 से 20 डिग्री सेंटीग्रेड का तापमान लग जाता है, यानी लो टेम्परेचर इसके लिए लगता है। और लो टेम्परेचर की वजह से अगेन वो जैसे बटन मशरूम के रूम होते हैं, जैसे बटन मशरूम के लिए आपको एयर कंडीशन लगाना पड़ता है, उस हिसाब से आपको सब सुविधाएं करनी पड़ती है। नेक्स्ट प्लीज। देन अगला आएगा आपका ऋषि मशरूम, कि जिसको हम ज्ञानोडर्मा मशरूम भी बोलते हैं। नेक्स्ट नेक्स्ट कीजिए। सॉरी, ये ब्लैक ईयर मशरूम है। तो ये जैसे आदमी के कान होता है तो कान का शेप जैसा मशरूम होता है, सो इसको ब्लैक ईयर मशरूम बोलते हैं। ये जो मशरूम है ये ऑयस्टर मशरूम जैसे ही उगाता है, ये मेडिसिनल मशरूम है। इसका स्पॉन भी अवेलेबल है आपको, और ये जो मशरूम है इसका मेडिसिनल यूजेस है, जैसे कि पाइल्स जिसको है या जिसको एसिडिटी का प्रॉब्लम है उसके मेडिसिन बनाने में इस मशरूम का उपयोग किया जाता है। इसकी कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी सेम ऑयस्टर मशरूम जैसी ही है, सिर्फ आपको स्पॉन यानी जो बीज लगता है वो बीज आपको और इस ब्लैक ईयर मशरूम का यूज करना पड़ता है। नेक्स्ट प्लीज। देन अगला मशरूम है ज्ञानोडर्मा मशरूम, जिसको ऋषि मशरूम बोलते हैं। ये जो मशरूम है ऑयस्टर मशरूम जैसे ही उगाते, आपको आपने देखा होगा कोस्टल एरिया में, आपके गुजरात में भी, जहाँ पे भी बड़े पैमाने पे कोकोनट का, नारियल का पेड़ होता है, उस पे एक डिसीज बन के आता है। और ये मशरूम खाने जैसा नहीं है, हम खाते नहीं क्योंकि ये लकड़ी जैसा रहता है, बहुत ही कठिन होता है। बट इसका जो पाउडर है वो पाउडर अलग अलग प्रोडक्ट के लिए, अलग अलग एंटीऑक्सीडेंट मेडिसिन बनाने के लिए इस गैनोडर्मा का यूज करता है। उसका कल्टीवेशन टेक्नोलॉजी भी सिंपल है और ऑयस्टर मशरूम जैसा ही है। नेक्स्ट प्लीज। तो अब कैसे करते हैं ऑयस्टर मशरूम का? नेक्स्ट प्लीज। तो ऑयस्टर मशरूम कहाँ से आता है? ये जो सारे कुछ मशरूम की मैंने आपको अलग अलग वराइटियां दिखाई, ये कहीं से हम बाहर के कंट्री से नहीं लाए हैं। ये हमारे यहाँ जब कोई भी बारिश होती है तो आपको ये जो ऑयस्टर मशरूम है वो जिस पेड़ की डाली खराब हुई है, जिसको कीड़ा लगा है या कुछ सड़ गई है, उस पे आपको इस तरह की छत्रियां दिखाई दी है। और इसको हम लैब में लाते, प्रोसेस करते, उसका बीज बनाते, वो खाने योग्य है कि नहीं उसका परीक्षण करने के बाद उसको हम कल्टीवेशन में लाते। तो ये आपको अगर आप ध्यान से देखेंगे इस बारिश के मौसम में तो आपको इस तरह के मशरूम बहुत सारे नजर में आएंगे। सब खाने वाले नहीं होते, उसको खाना नहीं है आपको, वो खाने वाले है या नहीं ये डिसाइड करने के लिए आपको बहुत सारा नॉलेज होना चाहिए, या ट्राइबल लोग आपके यहाँ पे जो वापी का एरिया है या यहाँ पे
इधर जो फॉरेस्ट एरिया है उस एरिया में बहुत सारे ऐसे मशरूम आते हैं, और वहाँ के जो आदिवासी लोग हैं उनका जो नॉलेज है, उनके नॉलेज का यूज करके हम लोग वहां से भी कुछ ये ऑयस्टर मशरूम की अलग अलग किस्में भी वहां से लाए हैं। तो आपको सिर्फ ये देखना है कि ये जो मशरूम आता है, अगर वो बारिश में आता है, मीन्स उसको नेचुरली आने के लिए, नैसर्गिकता आने के लिए, अगर बारिश जैसा मौसम चाहिए, तो आपको उसको उगाने के लिए आपके रूम में, आपकी जो खोली आप बनाएंगे उसमें आपको उस तरह का एनवायरनमेंट रखना जरूरी होगा। नेक्स्ट प्लीज। अभी देखिए कि इसके उगाने के लिए आपको, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। ये बहुत बहुत सारे कलर के, बहुत सारे आकार के मशरूम्स आपको दिखाई देंगे। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज। हाँ तो ठीक है, ये सबसे बड़ी बात ये है कि ऑयस्टर मशरूम की ये तीन जो वैरायटी है ये ज्यादातर लगाई जाती है, कि जिसको मार्केट में डिमांड है। पहली ये प्लूरोटस सर्जरकाजो, जो ग्रे कलर की, करड़े कलर की है, और ये जो ग्रे कलर है उसका शेप अगर देखिए तो हमारा जो ऑयस्टर रहता है जो हमें समुन्द्र में मिलता है उस शेप का रहता है। देन दूसरा जो है प्लूरोटस फ्लोरिडा, शेप वैसा ही है, सिर्फ उसका कलर जो है वो दूध के जैसा सफेद है। और तीसरा है प्लूरोटस इवोस, इसका शेप भी वैसा ही है, नियर अबाउट आपके ऑयस्टर जैसा, बट यहाँ पे आपको कलर एकदम पिंकिश दिखाई देगा, गुलाबी रंग का दिखाई देगा। तो ये चीजें है कि इसका कलर अलग अलग, और इसके आने की जो आप देखिए, कुछ छुट्टे छुट्टे आए साजर काजू में, तो फ्लोरिडा में एक साथ आए, यूएस में अगर अगेन वो बंचेस में एक साथ आए, तो इस हिसाब से उसके अलग अलग वैरायटी में हमने कैटेगराइज कर दिया है। ये तीनों मशरूम के वो उगाने की जो प्रोसेस है वो एक ही है, उसको कुछ ऐसी अलग प्रोसीजर नहीं है। तापमान भी वही लगता है उसको, टेम्परेचर भी वही लगता है, ह्यूमिडिटी भी उसी तरह की लगती है, सिर्फ आपको बीज अलग लेना पड़ता है। सॉरी, अगर आप प्लूरोटस सदर काजू का बीज लेंगे तो आपको उसमें से प्लूरोटस के सदर काजू के मशरूम्स मिल जाएंगे। नेक्स्ट प्लीज। तो अगले इसमें क्या है कि आपको कौन सा इंफ्रास्ट्रक्चर, अगर आपको ऑयस्टर मशरूम का खेती करना है तो इसको आपको क्या जरूरत है? तो पहले आपको बेड फिलिंग रूम की जरूरत है, यानी जहां पे आप मशरूम का बेड फिल कर सकते हैं। आगे मैं स्लाइड में आपको दिखाऊंगा मशरूम का बेड कैसे भरना है। तो ये जो मशरूम के बेड भरने की जो प्रक्रिया रहती है, ये आपको क्लोज रूम में, जो बंद खोली होती है, उसमें करनी पड़ती है। ऐसे पेड़ के नीचे या रास्ते के आजू बाजू में हम नहीं कर सकते। देन दूसरा जो होता है इंक्यूबेशन रूम, जिसके लिए सेमी वेंटिलेटेड रूम लगता है, मीन्स जिसमें थोड़ा सा आपको हवा आनी चाहिए, बाहर जानी चाहिए। और तीसरा कल्टीवेशन रूम, जो सादा सिंपल स्ट्रक्चर है, नायलॉन की नेट से किया हुआ, जैसे बंद हुए पोल्ट्री के जो शेड्स होते हैं, और सादे हमारे गांव में जो टेम्पररी स्ट्रक्चर्स किए जाते हैं उसमें भी आप इसका कल्टीवेशन कर सकते हैं। प्रोविजन ये है कि यहाँ पे अच्छी तरह से वेंटिलेशन होना चाहिए, इसमें बारिश नहीं गिरनी चाहिए, और यहाँ पे पानी की उपलब्धता तो हो, क्योंकि आखिरी स्टेज में जब बेड तैयार हो जाता है तो हमें उसको पानी छिड़काना पड़ता है, इसलिए वहां पे पानी देने की सुविधा होने जरूरी है। नेक्स्ट प्लीज। और ये इंफ्रास्ट्रक्चर के बाद होने के बाद मटेरियल कौन सा लगता है? तो सबसे पहले आपको लगेगा स्पॉन। तो स्पॉन मीन्स क्या कि मशरूम का बीज, उसको हम हिंदी में स्पॉन बोलते हैं। तो अब देखिए, किसी भी चीज की आपको खेती करनी है तो बिना बीज के तो आप खेती कर नहीं सकते, तो मशरूम के भी आपको खेती के लिए बीज आवश्यक होता है, और उसको कहते हैं स्पॉन। देन दूसरा है स्ट्रॉ। स्ट्रॉ मीन्स आपके खेत में जो आप जो कुछ उगा रहे हैं उसका हार्वेस्टिंग होने के बाद जो वहां पे खेत में लेफ्टओवर हो जाएगा, वो वेस्ट, एग्रीकल्चर का जो वेस्ट रहता है, फिर वो पैडी का हो, व्हीट का हो, आपके यहाँ कॉटन बहुत सारा होता है और कॉटन का स्ट्रॉ सबसे अच्छा होता है जिसमें ज्यादा यील्ड आती है। देन आपके यहाँ मूंगफली बहुत ज्यादा होती है, तो मूंगफली होती है। हम फार्मर को क्या सजेस्ट करते हैं कि आपको, आप किस तरह का स्ट्रॉ यूज करेंगे, जो आपको खुद के खेत में मिलेगा या आसपास में इजीली अवेलेबल होगा, जिससे कि आपकी कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत सारी कम हो जाएगी, और कम से कम कॉस्ट में आपको अच्छी तरह से मशरूम हार्वेस्टिंग आप कर सकते हैं। तीसरा, पॉलीथीन बैग, 100 गेज की पॉलीथीन बैग रहती है,
अगर आप किसी दुकान में कुछ चीजें लेने गए, जैसे कि आप शक्कर लेने गए या कुछ जवार बाजरा लेने गए, तो आपको जिस पॉलीथीन बैग में, फोल्डर पॉलीथीन बैग में वो हमें सामान देते हैं, उसी बैग को 100 गेज की बैग बोलते हैं। आपको मार्केट में ये कहीं पे भी मिलेगी, जो 10 केजी कैपेसिटी की होती है, जिसमें 10 केजी सामान बैठ जाता है, जिसका डायमेंशन 30x50x50 सेंटीमीटर का होता है। तो पॉलीथीन की बहुत सारी आपको ये अलग अलग साइज की मिलेगी, बट ये जो साइज है 30x50x50 35x55 का, इस साइज की बैग का जो बेड होता है उसको हैंडलिंग करने के लिए बहुत ही सिंपल होता है। तो हम ऐसा किसान भाइयों को बताते हैं कि आप ये अगर पॉलीथीन का बैग यूज करोगे इस साइज का, तो आप कौन से साइज का बैग इस्तेमाल करोगे, इसके ऊपर आपका यील्ड का कोई प्रॉब्लम नहीं है या यील्ड का कोई निर्भर नहीं है, आप किसी भी साइज का यूज कर सकते हैं, बट ये जो साइज है आपको हैंडलिंग के लिए अच्छा रहेगा। लेकिन आपको कुछ केमिकल्स की जरूरत होती है, जैसे कि कार्बेंडाजिम, जिसको हम बार्बिस्टिन बोलते हैं, बार्बिस्टिन ट्रेड नेम से आता है, और फॉर्मेलिन, फॉर्मेल्डिहाइड, ये किसी भी इंडस्ट्रियल एरिया के आसपास या किसी मेडिकल में जो हॉस्पिटल्स रहते हैं आजकल, जो आप हम जो देखते हैं फ्यूमिगेशन किया जाता है, तो ये फ्यूमिगेशन के लिए यूज किए जाने वाली एक दवाई है, ये आपको चाहिए। देन थ्रेड, जो सादा हमारे घर में हम यूज करते हैं धागा, वो धागा चाहिए, और नीडल जो ऑफिस में यूज किया जाते हैं, या सुई जो रहती है छोटी वाली सुई घर में, उस सुई, ये इतने सारे छह अगर आपके पास सामान है तो आप मशरूम का कल्टीवेशन इजीली कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ, तो ये मशरूम कल्टीवेशन में ये छह स्टेप से, पहला प्रिपरेशन और प्रोक्योरमेंट ऑफ स्पॉन, एक तो आप ये बीज जो है वो खुद आप तैयार कीजिए या ऑथेंटिक सोर्स के पास लेके आइए। मीन्स आपको अभी देखिए ये जो स्पॉन होता है ये लैबोरेटरी में तैयार किया जाता है, मैं आगे बताता हूँ कैसे। तो जो ऑथेंटिक लैबोरेटरी, और ऑथेंटिक लैबोरेटरी जो है आपकी, वहां से लाइए, क्योंकि अगर बीज अच्छा नहीं हुआ तो उसके क्या प्रॉब्लम हो जाते हैं मैं आपको तो आगे बताने वाला हूँ। देन दूसरी स्टेप होती है कलेक्शन और प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रॉ, मीन्स आपको आपके खेत में हार्वेस्टिंग होने के बाद क्रॉप की जो कुछ कूड़ा कचरा बाकी पड़ा है उसको उठाए और उसको आपको अच्छी तरह से रखना है, कि जो आपको पूरे साल तक आप मशरूम का कल्टीवेशन करेंगे तो उसको वो बारिश से भीगना नहीं चाहिए, और इतर उसकी जो आपको है उसको करना है। देन पाश्चराइजेशन ऑफ स्ट्रॉ, अब देखिए ये स्ट्रॉ हम फील्ड से लाएंगे, फील्ड में बहुत सारे उसमें कीड़े और बहुत सारी रोग के अवशेष होंगे, तो उसको हमें मशरूम उगाने से पहले निकाल देना है। देन चौथा जो स्टेप है वो है बेड फिलिंग, कि जिसमें आपको बेड भरना है, वो कैसे भरना थे हम डिटेल में, पॉलिथीन के बैग में हम इसका बेड भरते हैं। देन आफ्टर केयर मैनेजमेंट, एक बार बेड भर दिया तो उसके बाद उसका क्या मैनेजमेंट करना है, उसकी क्या आपको निगाह रखनी है इसके बारे में, और छठा और सबसे अच्छा वो को आपको हार्वेस्टिंग कैसे करना है, एक बार मशरूम आ गया तो उसका हार्वेस्टिंग कैसे करेंगे और उसका मार्केटिंग कैसे करेंगे। तो टोटल इस 6 स्टेप में मशरूम का कल्टीवेशन एकदम सिंपल है, 31 दिन में आपको पहला हार्वेस्ट मिल जाते हैं। मैं अगर आपको एक बाय एक उसको बताऊंगा तो आप इजीली अगले 10 मिनट में पूरा मशरूम कैसे उगते हैं इसके बारे में पता चल जाएगा। नेक्स्ट प्लीज, तो ये मशरूम का स्पॉन बनाने की ये आपको लेबोरेटरी का यूज करना पड़ता है। सो देखिए मशरूम प्रकार की फंगस है, ब्रुशी, मैं वो आपको बताना भूल गया। मैं जैसे हम कि अगर अगर देखिए कि आपके यहाँ गाय है तो उसको पानी बोलते हैं, आपके यहाँ अगर आम का पेड़ है तो आप हमें उसे वनस्पति बोलते हैं, उस तरह से अलग अलग प्रकार की चीज़ है, जिसे हम फफूंद बोलते हैं हिंदी में और इंग्लिश में हम उसको फंगस बोलते हैं। ये मशरूम एक प्रकार की फंगस है, और ये फंगस जो है वो बढ़ने के बाद, यानी उसको जब स्ट्रॉ या कंपोस्ट मिल जाता है वो बढ़ती है, और बारिश आने के बाद वो वहां से छत्ता निकलता है। अब ये जो मशरूम है उसको जो फल आता है उसमें बीज होते हैं, बट वो हम आँख से देख नहीं सकते, इतने छोटे छोटे बीज होते हैं, तो वो लेके तो हम कल्टीवेट नहीं कर सकते। तो हमें क्या करना पड़ता है, हम टिश्यू कल्चर से उसका लैबोरेटरी में उसका जो
या फंगस का जो प्योर कल्चर है वो बनाते, और उस प्योर कल्चर को हम उबाले हुए और निर्जंतु किए हुए यानी स्टरलाइज किए हुए गेहूं के या बाजरा के दाने पे डाल देते हैं, बीज पे डाल देते हैं, नेक्स्ट प्लीज। और उस पे डालने के बाद 10 से नेक्स्ट प्लीज, ये मशरूम की अलग अलग तरह की फंगस है ये दिखाई दी है। सब फंगस एक ही कलर की होती है, आप बटन का लीजिए, ऑयस्टर का लीजिए, मिल्की का लीजिए, वो व्हाइट ही दिखती है, इसलिए उसका लेबलिंग प्रॉपर होना चाहिए। नहीं तो अगर आपको ऑयस्टर मशरूम उगाना है, आपने बटन का स्पॉन ले लिया, तो उसमें से कुछ आएगा नहीं, क्योंकि उसकी रिक्वायरमेंट भी अलग है। नेक्स्ट प्लीज। तो नेक्स्ट प्लीज। हाँ, ये मशरूम का स्पॉन है। तो ये जो मशरूम का स्पॉन है ये पॉलीथीन में किया जाता है, जो फार्मर के लिए दिया जाता है, या हाई डेंसिटी पॉलीथीन होता है, हाई डेंसिटी पॉलीथीलिन। और सालन की बॉटल्स में भी पहले करते थे, बट अभी बॉटल्स अवेलेबल नहीं, तो स्पॉन इसमें करते हैं। तो ये मैंने ऑलरेडी आपको बताया, उबाले हुए और निर्जंतु यानी स्टरलाइज किए हुए गेहूं या बाजरे के बीज पे इसको, ये फंगस को हम मल्टीप्लाई करके डाल देते हैं। ये पूरा जो प्रावधान है ये आपको लैबोरेटरी में करना पड़ता है, इसलिए बड़ी पैमाने को इंस्ट्रूमेंट और उसका नॉलेज होना चाहिए। इसके बारे में कुछ ट्रेनिंग भी आयोजित किए जाते हैं, जैसे कि महात्मा फुले एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी में, कॉलेज ऑफ एग्रीकल्चर पूना जो है पुणे में, वहां पे AIC ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट है मशरूम का। वहां पे 3 दिन का ऑयस्टर मशरूम के स्पॉन का, यानी सभी प्रकार के स्पॉन का कैसे कल्टीवेशन प्रोडक्शन करते हैं उसका ट्रेनिंग रहता है। वैसा ही डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च चंबागढ़ सोलन में जो है शिमला के पास, तो वहां पे भी इसका ट्रेनिंग किया जाता है। और इसके लिए टेक्निकल नॉलेज भी लगता है। तो जो छोटे वाले फार्मर्स है उनको तो हम पहले बताते हैं कि पहले आप जब ऑयस्टर मशरूम का कल्टीवेशन करना है, तो शुरू में आप थोड़ा सा कल्टीवेशन पे ध्यान दीजिए। तब तक आप जहाँ पे ऑथेंटिक और अच्छा बीज, आपको क्वालिटी बीज मिलता है, वहां से आप बीज लाइए और उसका यूज करके कल्टीवेशन कीजिए। जब आपको कल्टीवेशन में एक्सपर्टाइज आ जाएगा, देखो 4 महीने में, 6 महीने के बाद, 1 वर्ष के बाद, और आपको कुछ पैसे उसमें से मिल जाएंगे, तो उसका इन्वेस्टमेंट करके, क्योंकि इसमें बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट लगते हैं, 15 से 20 लाख रुपए का प्रावधान इसके लिए लगता है किसी भी मशरूम स्पॉन को डालने के लिए। बट कंपेरेटिवली ऑयस्टर मशरूम का फार्म डालना है तो आपको उतना कल्टीवेशन नहीं करना पड़ता, और उसका प्रोडक्शन कैपेसिटी बहुत होता है। तो फिर बेचने से हम ऑयस्टर मशरूम किसी भी मशरूम का स्पॉन बेचने से भी आपको एडिशनल इनकम मिल जाता है। बट अगर आप पहले से यानी एकदम नीचे की लेवल से अगर आप शुरू करना चाहते हैं, तो इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी अगर कम है, तो आप किसी ऑथेंटिक सोर्स से आप क्या कीजिए, उसको खरीदिए और उस स्पॉन का यूज कीजिए। नेक्स्ट प्लीज। अभी स्पॉन कैसे होना चाहिए, तो स्पॉन एकदम फ्रेश होना चाहिए। तो जब आप वो खरीदेंगे, उसको किसी भी तरह का लाल कलर, पीला कलर, हरे कलर का कोई उसको स्पॉट नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम जो स्पॉन लाएंगे, कि अगर आपका सीड अच्छा है तो आपका मशरूम अच्छा आ जाएगा, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी। अगर आपके सीड में ऑलरेडी कोई कंटामिनेशन है, कंटामिनेशन कैसे, कि मैंने आपके बोला कि ये मशरूम एक प्रकार का फंगस है, तो निसर्ग में, हमारे यहाँ नेचर में बहुत सारे फंगसेस होते हैं। अभी देखिए, आप जब इसको उबालेंगे गेहूं या बाजरा को, और उबालने के बाद वो सबका खाद बन जाता है, जैसे मशरूम के फंगस का वो खाद है, उसकी तरह इतर जो बुरशिया है और इतर जो फंगस है उसका भी वो खाद है। आप देखिए, आपके घर में अगर कोई ब्रेड 2-3 दिन से पड़ा हुआ हो, तो उसके ऊपर व्हाइट कलर की फंगस आ जाती है, और पिकल खूब बहुत सारे दिन का हो तो उसके ऊपर भी फंगस आ जाती है, क्योंकि वो उसका खाद होता है। तो इस तरह का अगर दूसरे जो जीवाणु है यानी जो बैक्टीरिया है और दूसरे जो फंगस है सी, वो ऑलरेडी अगर उस पॉन में मौजूद है, तो वो क्या कर जाता है कि आपको वहां पे आगे की स्टेज में मशरूम को कंपटीशन कर जाता है, और अच्छी तरह से आपका बेड तैयार नहीं होता। इसीलिए पूरा जो आपका मशरूम का स्पॉन है वो पूरी तरह से व्हाइट होना चाहिए, फ्रेश होना चाहिए। अगर पुराना है तो आपको जल्दी से जल्दी इसका यूज करना है। नेक्स्ट प्लीज। तो आगे मशरूम का अभी जो सेकंड स्टेज है वो है आपका कलेक्शन एंड प्रिपरेशन ऑफ स्ट्रॉ, मीन्स आपको स्ट्रॉ कलेक्ट करना है। आप अभी सब किसान भाई है, आपको मालूम है कि खेती करते वक्त आप जब किसी क्रॉप को निकालेंगे, हार्वेस्ट करेंगे,
सोयाबीन ले आए तो सोयाबीन किसी एक हंगामे में या एक सीजन में ही वो निकलना जाता है। जवार हो, बाजरा हो आपकी, या मूंगफली आती है, देन कॉटन आता है। तो आपको उसको हार्वेस्टिंग करने के बाद उसको खेत में से जमा करके ऐसी जगह पे रखना है कि अगर एक बार वो बारिश का पानी उसके ऊपर गिरा तो बारिश का पानी गिरने की वजह से वो जो फंगस, अलग अलग जो एनवायरनमेंट में फंगस है वो फंगस, पॉजिटिव रह और सकते एक हैं बार उसमें से खाद निकल गया तो मशरूम के फंगस की कुछ बचेगा नहीं। तो इसको हमें हमारा तो कुछ बारिश नहीं से बचाना चाहिए। और जितका जितना आपको प्रोडक्शन कैपेसिटी रखना है आपके फार्म का, उस हिसाब से आपको गवर्नमेंट उसको ने कुछ कलेक्ट करना हार्वेस्टर पड़ता का है। कुछ चाय की दुकान तो हम डालेंगे नहीं कि अगर आज हमारी शक्कर खत्म हो गई तो जाएंगे मार्केट से लेके आएंगे और चाय बना के बेचेंगे। ये जो हमारे क्रॉप्स है किसी एक ही सीजन में हार्वेस्टिंग होते हैं। देखो जैसे कि आपके यहाँ अगर कॉटन है तो कॉटन दिसंबर में नवंबर में आपको उसका जो कूड़ा कचरा है वो मिल जाएगा। अगर आपको जून जुलाई में मशरूम उगाना है और आप जून जुलाई में अगर किसान के पास गए तो किसान तो दे ही नहीं सकता, ऊपर से वो हमें हंस जाएगा कि इसको कब क्या कूड़ा कचरा आता है वो मालूम नहीं। तो पूरे एक साल के लिए आपको जितना चाहिए उसको आपको कंजर्व करके प्रोटेक्ट करके रखना पड़ता है। अब आप कौन से स्ट्रॉ का यूज कर सकते हैं, जो कुछ आप आपके खेत में उगाते, आपके खेत में जो कुछ है आज, मीन्स आपके खेत में केली है तो उसके लीफ भी यूज कर सकते हैं, गेहूं है वो भी यूज कर सकते हैं, धान है, देन बनाना है, शुगर केन भी है तो उसका जो थ्रेश होता है वो भी यूज कर सकते हैं, सोयाबीन है, मूंगफली है, कॉटन है आपके यहाँ कॉटन बहुत सारा होता है, बाजरा है, एनीथिंग जो आप जो कोई क्रॉप करते हैं आपके यहाँ पे, वो लेफ्ट ओवर होने के बाद पूरा सूखा हुआ और उसको 2 से 3 सेंटीमीटर के पार्ट में हम कट करके रखते हैं। कट क्यों करना पड़ता है, हम ऑयस्टर मशरूम का जो कल्टीवेशन है वो पॉलीथीन बैग में करने वाले हैं। अगर देखिए कि बाजरा का 3-3, 4-4 फीट का आपका स्ट्रॉ हम उसमें तो डाल नहीं सकते, तो उसको हमें कट करना पड़ता है। कटवाएंगे। और मशरूम का जो यील्ड होता है वो आप किस चीज का स्ट्रॉ यूज करेंगे इसके ऊपर निर्भर होता है। ये ऐसे नहीं कैलकुलेट किया जाता कि 10 बाय 10 की रूम में कितना मुझे मिल जाएगा, 20 बाय 20 में कितना मिल जाएगा, या 20 किलो स्पॉन में, 10 किलो स्पॉन में मुझे कितना मशरूम मिल जाएगा। इस जैसा इसकी तरह का जो है हम नहीं कैलकुलेट करते। मशरूम में आप इसका जो यील्ड है तो आप इसको 1 kg स्ट्रॉ के बेसिस पे, 1 किलो स्ट्रॉ यूज करने के बाद आपको कितना मशरूम मिल जाता है, और ये निर्भर रहता है कि आप कौन से प्रकार का स्ट्रॉ यूज कर सकते हैं। हर एक पे अलग अलग है। अगर आप ये स्लाइड में देखेंगे तो कॉटन पे आपको सबसे ज्यादा क्योंकि उस स्ट्रॉ में ऐसी कुछ सारी बातें हैं कि जिस बातों की वजह से उसको ज्यादा खाद मिल जाती है, वो जल्दी बढ़ जाता है और उसमें से यील्ड ज्यादा आ जाता है। बट मैंने पहले ही बताया ऐसे नहीं कि कॉटन है, सपोज कि आपके यहाँ पे एक एरिया है कि दांतीवाड़ा है, दांतीवाड़ा में आप अगर, मुझे मालूम नहीं वहां पे कॉटन होता है कि नहीं, अगर उधर कॉटन नहीं होता होगा और आपने अगर गांधीनगर से कॉटन लाया या आप डायरेक्टली यहाँ पे आपके दीव दमन से अगर आपको कॉटन मंगाया तो उसका जो ट्रांसपोर्ट कॉस्ट है उसकी वजह से उसका प्रोडक्शन कॉस्ट बहुत सारा बढ़ जाएगा। जो लोकली अवेलेबल है फार्मर उसको जला देते हैं, उसको अगर आप फार्मर के पास गए उसको रिक्वेस्ट किया तो वो देता नहीं, वो जला देता है। तो उसको 4-2 रुपए के कम से कम कीमत में आपको लोकली अवेलेबल जो कुछ कूड़ा कचरा अवेलेबल हो जा सकता है उसको स्टोर करिए और उसको यूज कीजिए। नेक्स्ट प्लीज। और आपके खुद के घर का अगर हो तो खेती का अगर हो तो वो तो सबसे बढ़िया चीज है। तो उसको हमें चॉपिंग करना पड़ता है। अभी देखिए गेहूं का तो कंबाइन हार्वेस्टर या थ्रेशर यूज करते हैं तो इसके छोटे छोटे टुकड़े ऑलरेडी हो जाते हैं, दो दो तीन तीन चार चार सेंटीमीटर के टुकड़े हो जाते हैं। बट कुछ ऐसे होते हैं टुकड़े कि जैसे कि कॉटन रहे, जवार रहे, तो बड़े बड़े उसके जो है पौधे होते तो वो सूखने के बाद उसको हम चॉपिंग मशीन के जरिए कट कर सकते हैं। हाथ से भी, कोयते से या कुलाड़ी से भी आप उसको कट कर सकते हैं, बट उसको मैन पावर आपके पास हो तो वो भी चीजें है। नहीं तो ये आधा सिंपल आपको चॉप कटर मिल जाएगा मार्केट में जिसमें से आप 2-3-4 सेंटीमीटर के टुकड़े को करें। अभी ये अपना सेकंड स्टेज में आगे क्या करेंगे, ये जो आपने कूड़ा लाया है जो आपने आपके खेत का है इसको कुछ प्रोसेस नहीं करना है, उसको सिर्फ काटना है 2-2 सेंटीमीटर में और उसको आपको बोरी में भरना है। कौन सी बोरी, तो आपकी जूट बैग की बोरी जिसको हम ऐसे बोल सकते हैं कि जिसमें या आप
और जो आप प्याज और ओनियन, जिसको हम मार्केट में जिस ले जाते हैं जिसमें छेद रहते हैं, ऐसी जूट बैग आप यूज कर सकते हैं। और एम एक ही है कि आपने जो स्ट्रॉ रखा है उसके अंदर तक पानी जाना चाहिए और वो भीगना चाहिए। तो इस तरह का जूट बैग में आप वो कूड़ा डालेंगे, उसका मुंह, हेलो, और उसका आप मुंह अच्छी तरह से रस्से से बांध लेंगे। नेक्स्ट प्लीज। उस बोरे का मुंह अच्छी तरह से रस्से से बांधने के बाद उसको सादे पानी में आपको टंकी में डुबोना है 8 से 10 घंटे तक। अभी ये क्यों डुबाना पड़ता है, मैंने पहले ही बता दिया, मशरूम एक प्रकार का फंगस है, ये आपको सिर्फ बारिश के दिन में ही दिखाई देगा। अभी आप निकल पड़े रास्ते से, रास्ते में मशरूम ढूंढने के लिए, तो आपको नहीं दिखाई देगा क्योंकि अब इसको मॉइस्चर नहीं है। तो ये जो आपने कूड़ा डाला है, ये जो स्ट्रॉ लाया है, ये स्ट्रॉ को मॉइस्चर मिलने के लिए हमें उसको सादे पानी में डालना है। अगर देखिए वो सादे पानी में 8 या 10 घंटे में ये जो बोरा है, ये बोरे में अंदर तक पानी चला जाता है और ये पूरा आपका जो कूड़ा है 2 सेंटीमीटर, 4 सेंटीमीटर का, 2-4 सेंटीमीटर का, ये पूरा गीला हो जाता है। उसके बाद 8-10 घंटे के बाद उसको आपको निकालना है। उसको निकालने के बाद किसी ऊंची जगह पे, यानी 1 या 1.5 फीट की, ये सादा पत्थर भी हो उस पर रख देना चाहिए। तो इसमें जो ज्यादा पानी जाएगा, इसका जो वाटर होल्डिंग कैपेसिटी जिसको बोलते हैं, कि उसका पानी रखने की जो क्षमता है वो अलग अलग होती है। अगर आपने गेहूं लिया तो उसकी थोड़ी कम होती है, अगर आपने धान लिया तो उसमें ज्यादा होती है, कॉटन में उससे भी ज्यादा होती है। तो उस हिसाब से आपको 2-3 घंटे उसको धूप में आपको रखना है। तो उसमें से ज्यादा का पानी आपको सारे, तो फोटो में दिखाई देगा तो पानी नीचे गिर रहा है, तो पानी नीचे गिर जाता है। या 50 से 60% मॉइस्चर तक आपको लाना है। तो इसके लिए तो कोई इंस्ट्रूमेंट नहीं है 50 से 60% कैसे हुआ, जब पानी गिरना बंद हो जाता है उसके बाद 1 घंटे के बाद आप उसको आगे की प्रोसीजर के लिए ले सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज। अभी क्या होगा, इस स्टेज तक आपका स्ट्रॉ जो है वो आपका अच्छी तरह से मॉइस्चर हो गया। अब तीसरी स्टेज है पास्चराइजेशन, जो मशरूम कल्टीवेशन में, मशरूम की आपके खेती में सबसे अहम बात है कि जिस स्टेज में अगर आपसे कोई गलती हो गई तो आपको एक भी मशरूम कल्टीवेट नहीं कर सकते। तो वो कौन सी है, तो उसमें आपको पाश्चराइज करना पड़ता है। तो क्या पाश्चराइजेशन मींस क्या, जैसे हम दूध लाने के बाद उसको उबाल के लेते हैं तो आप 2-3 दिन रख सकते हैं। दूध ऐसे ही आपने रख दिया तो क्या होता है, 2-3 घंटे में वो खराब हो जाता है। उबालने के बाद वो 2-3 दिन तक भी अच्छी तरह से रहता है। इसकी क्या वजह है कि पाश्चराइज हो जाता है, मीन्स क्या, उसमें जो कुछ इतर जीव जंतु, फफूंदे जिसको हम फंगस बोलते हैं या बैक्टीरिया है, ये मर जाते हैं। और ये मारने के लिए ये जो स्ट्रॉ है हमारा, ये हमने फील्ड से लाया है। फील्ड में पौधे पे बहुत सारे रोग आ जाते हैं। क्यों आते हैं, क्योंकि वो पौधा जो है वो उस जो आपका फफूंद है, फंगस है, बैक्टीरिया है, उसका वो खाद है। जब उसको मॉइस्चर मिलेगा वो भी खाएगा, ऑयस्टर मशरूम भी खाएगा। तो आगे जाके अगर आपने वैसा का वैसा कंपोस्ट यूज किया पाश्चराइज न करते हुए, तो क्या हो जाएगा, वो दोनों में खाने के लिए कंपटीशन बढ़ जाएगी। और ये बाकी के जो फंगस होते हैं, बैक्टीरिया होते हैं, ये इतने सारे फास्ट होते हैं कि वो पूरा 2 दिन में सब खा लेते हैं। उन्होंने अगर सब खा लिया स्ट्रॉ में से, तो आपका जो ऑयस्टर मशरूम है उसको खाने के लिए कुछ बचेगा नहीं, तो आपका स्पॉन्ड्रम नहीं होगा, आपको मशरूम नहीं मिलेगा। तो इसके लिए आपको अच्छी तरह से उसको पाश्चराइज करना है। तो उसके 3 स्टेप्स हैं, 3 तरीके से कर सकते हैं। कौन से भी तरीके से आपको जो अच्छा लगे, जो आपके यूज करना है। तो पहला कौन सा है, तो हॉट वाटर ट्रीटमेंट आता है, गर्म पानी आपको उबालना पड़ता है। दूसरा हॉट एयर ट्रीटमेंट, हॉट एयर का आप ट्रीटमेंट कर सकते हैं। और केमिकल, ये तीनों नहीं करना है आपको, तीन में से कौन सा भी एक जो आपको प्रॉफिटेबल है, आपको पॉसिबल है, उसको यूज करना है। नहीं तो क्या होता है कि हम ट्रेनिंग में बता देते हैं तीन है, लोग तीनों तरीके से स्टरलाइज करते हैं, तो वो कूड़ा मशरूम उगाने जैसा नहीं रहता। आपको सिर्फ 3 में से एक ही यूज करना है जो आपको पॉसिबल है। नेक्स्ट प्लीज। तो पहला जो स्टेप है वो है हॉट वाटर ट्रीटमेंट। इसमें क्या करना है, आपको पानी को 80 80 डिग्री सेंटीग्रेड तक आपको
गर्म करना है, और इस गर्म पानी में आपने जो बोरा जिसका पानी निकल दिया है, वो ड्रेन आउट किया है, उसको आपको उस हॉट वाटर में 1 घंटे के लिए रखना है, और पूरा घंटा उस पानी का जो टेम्परेचर है वो 80 डिग्री मेंटेन रहना चाहिए। नहीं तो क्या होता है कि हम 80 डिग्री तक पानी का तापमान ले जाते हैं, उसमें बोरा डाल देते हैं और उसको हीट करना बंद कर देते हैं, तो 10-15 मिनट में वो 80 से 60 आ जाएगा, 40 आ जाएगा, आपका प्रॉपर स्टरलाइजेशन या पास्चराइजेशन होगा नहीं। आपको प्रॉपर पास्चराइजेशन करना है तो पूरा 1 घंटा आपको जो पानी का तापमान है वो 80 सेल्सियस रखना पड़ता है। दूसरा है हॉट एयर ट्रीटमेंट। इसके लिए कुछ बॉयलर्स मार्केट में अवेलेबल है जो इजीली अवेलेबल, उसका कॉस्टिंग भी बहुत कम है। कुछ सारे MIDC में तो ये आपको नहीं दिखाया तो ये जुगाड़ कर लेते हैं। आपके यहाँ अगर टर्मरिक की खेती हो तो वहां पे ये बॉयलर्स, ऐसे बॉयलर यूज करते हैं। तो ये बॉयलर्स का क्या एम होता है, ये वो हीट जनरेट करता है, स्टीम जनरेट करता है, और एक कंपार्टमेंट जिसमें क्लोज कंपार्टमेंट होता है, टंकी होती है, उसमें वो डाल देता है। ये 80 डिग्री सेंटीग्रेड की हॉट एयर जो है वो पास करने से वो स्ट्रॉ से पास हो जाती है, और जो कुछ हमें नहीं चाहिए वो जो फंगस और बैक्टीरिया है उनको किल कर देती है। अभी ये दोनों जी चीजें, ये दोनों चीजें अभी मैं आपको बताते बताते आपके कुछ मैसेजेस भी पढ़ रहा हूँ, तो अभी किसी ने एक मैसेज भेजा कि ऑर्गेनिक फार्मिंग मशरूम में पॉसिबल है क्या। तो अगर आप इस दो चीज से मशरूम का स्टरलाइजेशन करेंगे, ऑयस्टर मशरूम के स्ट्रॉ का, तो जो कुछ प्रोडक्ट आएगा वो आपका ऑर्गेनिक ही होगा। नेक्स्ट प्लीज देन बट नेक्स्ट स्लाइड। हाँ बस बस, बट ये दोनों चीजें मैंने जो बताई इसमें सबसे ज्यादा दिक्कत क्या है, इसको बहुत सारा एनर्जी लगता है। अगर पानी उबलना है तो आपको एक तो डीजल फायर होना चाहिए, इलेक्ट्रिसिटी होनी चाहिए, या लकड़ी लगती है तो थोड़ा पॉसिबल नहीं होता, या गैस लगता है। और बॉयलर का हो तो इसमें कम इलेक्ट्रिसिटी में या कम कोयले में या कम डीजल में आपका वो काम हो जाता है, बट दोनों के लिए ज्यादा इन्वेस्टमेंट पड़ता है, आपको बॉयलर लेना पड़ता है या कुछ अदर प्रोविजंस करने पड़ते हैं। बट ये जो तीसरा मेथड है, केमिकल मेथड, जो सबसे सिंपल है और सबसे कम खर्ची के, आपको सिर्फ क्या करना है कि एक 100 लीटर पानी लेना है। इस 100 लीटर पानी में 7.5 ग्राम्स कार्बन डीजियम, जो मार्केट में बार्बिस्टीन किंवा अलग अलग नाम से आता है, कार्बन डीजियम बोलेंगे तो आपको दे देंगे, कार्बन डीजियम 50 WP इस नाम से वो केमिकल है, उसमें आपको 100 लीटर पानी में 7.5 ग्राम बार्बिस्टीन डालना है, 120 ml फॉर्मेलिन डालना है, जो मैंने पहले बताया था, जो केमिकल नाम है इसका फॉर्मेल्डिहाइड, और इस फॉर्मेल्डिहाइड और बार्बिस्टीन के सोल्यूशन को अच्छी तरह से आपको हिला के लेना है, और हिलाने के बाद जो आपने बोरा तैयार किया है उसको बिना भिगोए डायरेक्टली केमिकल सॉल्यूशन में 15 से 18 घंटे तक भिगो दीजिए। इसमें ये जो अगर आप यूज कर रहे हैं केमिकल ट्रीटमेंट, तो जो पहले मैंने बताया था ना, 8 से 10 घंटे आपको सादे पानी में डुबाना है, उसकी कोई जरूरत नहीं होती, क्योंकि यहाँ पे ये केमिकल का जो पानी है इसमें हम 15 से 18 घंटे तक ऑलरेडी डूबने वाले हैं, तो पानी का मॉइस्चर उसको मिल जाएगा। तो यहाँ पे डायरेक्टली आपको कूड़ा कचरा जमा करना है, उसको कट करना है, बोरी में डालना है और केमिकल के सॉल्यूशन में डाल देना है। तो ये तीसरा मेथड सबसे सिंपल है, और ये ऑर्गेनिक में भी बैठ जाता है, बट हमारे यहाँ ऑर्गेनिक मीन्स ऑर्गेनिक, कोई केमिकल ही यूज नहीं करेंगे, ऐसे कुछ कंसेप्ट अभी आए। बट आप देखिए ये जो बावेस्टिन मैंने आपको बताया, ये अगर आप उसको नेट पे सर्च करेंगे तो दिस इज वन टाइप ऑफ फंजीसाइड, मैं जो फफूंद को मारता है वो फफूंद नाशक है। मशरूम एक फफूंद है, जिस स्ट्रॉ को आपने फफूंद नाशक से ट्रीट किया है उसी स्ट्रॉ को खा के आपका दूसरा मशरूम जो बुरशी है या यानी जो फंगस है वो आप उगा रहे हैं, उसको कुछ हो नहीं रहा है, तो ह्यूमन को यानी आदमी को तो कुछ होगा ही नहीं, डेफिनेटली उसका कुछ रेसिड्यू रहता नहीं, बट आप इसको रेसिड्यू फ्री बोल सकते हैं। अगर पूरी तरह से ऑर्गेनिक करना है तो आप एक काम कीजिए, गर्म पानी से या गर्म हवा, जो दो आपको दो ऑप्शंस है उसमें से कर सकते हैं। नो डाउट अगर ऑर्गेनिक के नाम से आपने आपने बेचा, तो अभी आपको मैंने ऑलरेडी बताया कि ये सब दुनिया मार्केटिंग की दुनिया बन चुकी है,
लोग क्या क्या कैसे कैसे मार्केटिंग करते हैं आपको तो पता है, तो इस हिसाब से अगर आपने उसको वो ऑर्गेनिक का दे दिया तो नॉर्मल मशरूम से आपको अगर 200 रुपये मिल रहे होंगे तो ऑर्गेनिक से 400 मिल जाएंगे और आपका मार्केटिंग का भी उसमें बेनिफिट हो जाएगा। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट योगेश सर, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये तीन में से एक तरह से आप इसको पास्चराइज कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड, नेक्स्ट स्लाइड डालना भाई। मेरी आवाज आ रही है? हाँ। तो नेक्स्ट जो हमारा स्टेज है वो है बेड फिलिंग। अब देखिए हमने अब तक क्या किया है, स्टॉक का इकट्ठा किया, छोटा सा भी छोटा डाल दिया छोटा भाई, किया दो चार आधा है। सेंटीमीटर टुकड़े में, उसके बाद उसको बोरी में डाला, उसको हमने गीला कर दिया, गीले के बाद उसको फर्टिलाइज कर दिया। उसके बाद हमारा जो अगला स्टेप है वो है बेड फिलिंग का टाइम स्टेज। सही के टाइम बेड पे फिलिंग भाई। मीन्स आपको बेड भरना है, इसलिए मैंने ऑलरेडी बोला कि आपको क्लोज रूम चाहिए। क्लोज रूम मीन्स ऐसा रूम की जहां पे कम से कम हवा आती है। टेक्निकली अगर बोला तो जैसे हमारे हॉस्पिटल के ये जो होते हैं ऑपरेशन थिएटर्स की, वो लैबोरेटरी जो होती है प्रयोगशाला है, उसके जैसा एनवायरनमेंट लगता है। बट सादा किसान तो इतना सारा कर नहीं सकता कि हम डायरेक्टली कॉन्ट्रैक्टर को बोले हमें ऑपरेशन थिएटर बना दो, हमें बेड फिलिंग रूम करना है, कोई जरूरत नहीं है। सादे सादे रूम को आप उस तरह के रूम में कन्वर्ट कर सकते हैं। आपके पास घर घर के पास के वो आपके स्टोर में कोई रूम है जिसका आप यूज नहीं करते, जहां पे आपने सब कुछ डाल दिया है उसको निकाल दीजिए, उसको जो खिड़कियां है वो परमानेंटली बंद कर दीजिए बैटन डाल के, और उसको बंद करने के बाद उसको सिर्फ वन एंट्री डोर रखिए, तो आपका हो गया क्लोज रूम। अगर आपके पास क्लोज रूम नहीं है, बड़ी वाली पोल्ट्री की शेड अवेलेबल है, तो सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर से जैसे कि आप जो प्लास्टिक की अभी बहुत सारी चीजें आ रही है फार्मर्स के लिए, या शेड नेट होता है ग्रीन हाउस का जो प्लास्टिक होता है, उस तरह का जो प्लास्टिक है उसको अच्छी तरह से बैटम पट्टी में फिट करके आप एक छोटा सा रूम, टनल टाइप का रूम बेड फिलिंग के लिए कर सकते हैं, और जिसके लिए ज्यादा खर्चा नहीं आता। बट मैं तो रिकमेंड करूंगा कि जो आपके पास अवेलेबल है, जो जिस रूम में वेंटिलेशन है उसको सिर्फ आपको उसकी खिड़कियां बंद करनी है, खिड़कियां बंद कर दीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं, उसको में हवा कम से कम आ जाएगी तो आपका वो क्लोज रूम हो जाएगा। तो यह क्या करना है, इस रूम को आपको स्टरलाइज रखना है। स्टरलाइज क्यों रखना है, अगर ये बेड हमने ओपन में भरा तो ओपन एनवायरमेंट में सब जगह पे कुछ ना कुछ फंगस और बैक्टीरिया हमेशा रहते हैं। अब देखिए कि कोरोना की वजह से हमारा बाहर फिरना मुश्किल हो गया, ये चीज क्यों है, क्योंकि बहुत सारे ऐसे वायरसेस, फंगस और बैक्टीरिया एनवायरनमेंट में हैं जो हमें दिखाई भी नहीं देते बट उनसे हम इन्फेक्ट हो जाते हैं। इसी तरह से अगर आपने निर्जंतु केमी स्टरलाइज किए हुए एनवायरनमेंट में अगर आपका मशरूम का बेड नहीं भरा, तो आपके बेड में ये सारी चीजें, ये अलग अलग फंगस या बैक्टीरिया चले जाएंगे, जिसका खाद आपका मशरूम का अपना आपका ये स्ट्रॉ भी उसका खाद है, तो बेड अच्छी तरह से नहीं बनेगा। तो क्या करना है, उसको जो आपका क्लोज रूम आप सिलेक्ट करेंगे उसको पहले 2% फॉर्मेलिन से अच्छी तरह से स्टरलाइज करना है, और न्यूऑन डाल के, इन मीन्स एनी इंसेक्टिसाइड, जो कुछ मक्खियां है, हाउस फ्लाइज बोलते हैं हम उसको, मच्छर है, जो कुछ है कीड़े कूड़े वो मर जाएंगे। एक साधारणता 24 आवर्स बिफोर बेड फिलिंग, 24 घंटे पहले, एक दिन पहले आप उस रूम को अच्छी तरह से धो के लीजिए, अच्छी तरह से स्प्रे करके उसको स्टरलाइज कर लीजिए मीन्स, और उसको बंद रखिए। नहीं तो क्या होता है कि लोग उसको स्टरलाइज कर देते हैं, खिड़कियां दरवाजे उगड़े रख देते हैं, तो उसका स्टरलाइजेशन प्रॉपर हो नहीं जाता। स्टरलाइज यानी स्प्रे, फॉर्मेलिन का स्प्रे करने के बाद उसका दरवाजा बंद रखिए, जब आप अंदर जाएंगे बेड भरने उसी वक्त उसको खोलिए। देन अंदर जाने के बाद आपका जो स्ट्रॉ है, उसका जो बोरा है, वो स्टरलाइज होने के बाद उसका आपको मुंह इसी रूम में आने के बाद खोलना है, अब तक उसका मुंह नहीं खोलना है, तो वो लेके आइए, स्पॉन आपका तैयार रखिए, और आपके जो पॉलीथीन बैग मैंने बोले थे 35 बाय 55 सेंटीमीटर का जो बैग है, तो इस बैग को आप अभी 2% सोल्यूशन कर दीजिए फॉर्मेलिन का, और इस 2% फॉर्मेलिन के सोल्यूशन में उसको भिगो दीजिए, क्योंकि ये पॉलीथीन की बैग भी हमने मार्केट से लाई है, इसपे भी कुछ फंगस बैक्टीरिया हो सकते हैं, उसको भी हम स्टरलाइज करेंगे। देन हम हमारा स्पॉन उसको खोलेंगे, और स्पॉन अगर आप देखेंगे, नेक्स्ट प्लीज, स्पॉन ऐसा कॉम्पैक्ट रहता है, मीन्स जो फंगस है
वो पूरी तरह से उस सीड को कवर कर लेता है। तो उसको आप जस्ट सीधे सिंपल उसको प्रेस करेंगे तो सब सीड जो है, बीज जो है, जो अलग अलग हो जाते हैं। देन अभी तक हमने जो किया आप देखिए, हमारा रूम स्टरलाइज है पूरी तरह से, हमने पॉलिथीन भी स्टरलाइज करके लिया है। जब पॉलिथीन स्टरलाइज कर रहे थे तो बेड भरने वाले जो कुछ लेबर्स है उनके हाथ ऑटोमेटिकली स्टरलाइज हो जाते हैं। देन आपका बीज अच्छी तरह का है, आपका स्ट्रॉ भी स्टरलाइज है। इस कंडीशन में अगर आपने बेड भरा तो डेफिनेटली आपको अच्छी तरह का मशरूम मिल जाता है। बट इसमें से अगर किसी भी चीज में जाने अनजाने में भूल हो जाती है, जैसे कि अगर स्पॉन आपका अच्छा नहीं है, या स्ट्रॉ प्रॉपरली स्टरलाइज किया नहीं, या स्ट्रॉ का बोरिए का तोड़ पहले ही निकाल दिया है, तो इस कंडीशन में वो एक्सपोज हो जाता है एनवायरमेंट को, निसर्ग को, और इतर बुरसी जो फंगस बैक्टीरिया है वो एंट्री कर लेते हैं। तो अभी बेड कैसे भरते हैं इस कंडीशन में पूरा स्टरलाइज होने के बाद, पहले आपको वो जो स्पॉन है उसको थोड़ा छुट्टा करके ये जो स्टरलाइज किया हुआ बैग है इसके ऊपर आपको डालना है, इसके नीचे आपको थोड़ा सा डालना है। कितना डालना है एकदम सिंपल, एक 20-25 आपके पड़ने चाहिए। इसके नंतर उसके बाद जो आपका स्टरलाइज किया हुआ स्ट्रॉ है उसका मुंह खोल दीजिए उस बोरे का, और उसमें से स्ट्रॉ निकल के 2 या 3 सेंटीमीटर का उसका ले कर दीजिए, थोड़े हल्के हाथ से उसे दबा दीजिए, बहुत जोर से नहीं, हल्के हाथ से। जो आपने बीज डाला है वो और आपके स्ट्रॉ उसमें क्या होना चाहिए, कॉम्पैक्टनेस आना चाहिए। हल्के हाथ से उसको स्ट्रॉ डालने के बाद उसके ऊपर फिर से बीज डालिए। बीज डालते समय आपके जो पॉलिथीन की बैग है उसके साइड में और बीच में सभी जगह पे वो गिर जाए, इस तरह से उसको आपको भरना है। अगर आप 30x55 सेंटीमीटर का बैग यूज कर रहे हैं तो ये ऐसे 2-3-3 सेंटीमीटर के आपको 4 या 5 लेयर्स बन जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज। तो क्या करना है, एक आपका स्ट्रॉ का लेयर नीचे हो गया, उसके मशरूम स्पॉन का लेयर हो गया, उसके बाद स्ट्रॉ, फिर से स्पॉन, अगेन स्ट्रॉ, मीन्स एक लेयर आपका स्ट्रॉ का और एक लेयर आपका स्पॉन का, इस हिसाब से 4 या 5 लेयर्स आपको इस हाइट तक उस बैग को भरना है जहां आप उसका जो मुंह है अच्छी तरह से थ्रेड से दोरे से बांध सकते हैं। तो 4-5 लेयर्स के बाद, अगर आपने बड़ी साइज की बैग यूज की है तो लेयर्स बढ़ जाएंगे, छोटी होगी तो छोटे हो जाएंगे। बट 35x55 का अगर बैग हो 10 kg कैपेसिटी का, तो उसमें ऑन एन एवरेज 3 kg भिगोया हुआ जो आपका स्ट्रॉ है वो बैठ जाता है, क्योंकि इसका बल्किनेस ज्यादा होता है। मीन्स अगर आप 1 kg स्ट्रॉ जब भिगोते हैं तो उसका वजन बढ़ के ढाई ढाई पट यानी 2.5 to 3 गुना बढ़ जाता है। तो इसमें साधारणतः ऑन एन एवरेज 1 kg का ड्राई स्ट्रॉ, मीन्स जिसको 3 kg में वो कन्वर्ट हो जाता है भिगोने के बाद, उतना बैठता है। तो लेयर बाय लेयर एक एक थर आप एक लेयर आपका स्पॉन का और एक लेयर आपके स्ट्रॉ का डालने के बाद इस हाइट तक भरिए, आपको उसको प्रॉपरली वो टाई कर सके। तो उसका मुंह बांध दीजिए, एयर टाइट कर दीजिए, और एयर टाइट करने के बाद सभी जगह पे ये जो आपका गोल कलर का सर्कुलर कलर का बेड हुआ है उसको पिन से, जो ऑफिस में पिन यूज करते हैं उस पिन से, अगर पिन नहीं है तो घर में आपके यहाँ सुई होती है, उस सुई से उसको 30 या 40 छेद कर दीजिए सभी जगह के, एक जगह पे नहीं, पूरे राउंडली ऊपर नीचे साइड में सभी साइड से उसको हमें छेद करने पड़ते हैं। अभी ये छेद किए हुए एक प्रकार का फंगस है, इसको रेस्पिरेशन करना लगता है, इसको कार्बन डाइऑक्साइड वो रिलीज करता है, ऑक्सीजन लेता है। तो अगर आपने इसको छेद नहीं किया तो वो बढ़ेगा नहीं, उसका कुछ काम होगा नहीं, तो उसको आपको छेद करना है। छेद करते वक्त मेरे पास अभी सुई नहीं है इसलिए मैंने बड़े वाला खिला लिया या बड़े वाला कुछ स्टिक लिया, तो उसमें बड़े बड़े छेद हो जाते हैं, या पंचिंग मशीन से किया तो क्या होती है, जो मक्खियां होती है वो मक्खियां वहां पे एग लिंग कर देती है, या एनवायरमेंट में जो कुछ फंगस या बैक्टीरिया होते हैं वहां पे पड़ जाते हैं, और वहां पे फिर आपका बेड खराब होने की चांसेस है। सिर्फ इसलिए सुई या निडल का ही आप इस्तेमाल कीजिए। नेक्स्ट प्लीज। उसके बाद आपको कुछ नहीं करना है, इस बेड को आपको नेक्स्ट प्लीज नेक्स्ट लेना, आपको रैक पे रख देना है। रैक पे क्यों रखना है, आप नीचे भी रख सकते हैं, बट पहले ही बताया, योगेश सर ने भी आपको बताया कि ये वर्टिकल फार्मिंग है।
कि आप जो आपके पास जो कम से कम जगह है उसका ज्यादा से ज्यादा यूज कर सकते हैं। तो ये आपको ये इंक्यूबेशन रूम में डाल देना है, जो कौन सा भी रूम हो, यानी कौन सा भी रूम मीन्स जहाँ पे थोड़ा सा वेंटिलेशन हो, वो सीमेंट कंक्रीट का हो तो भी चलेगा, जो आपके पास अवेलेबल हो तो कोई प्रॉब्लम नहीं। नहीं तो पोल्ट्री के जो पुराने वाले शेड्स होते हैं उस तरह का स्ट्रक्चर हो, या सादा सिंपल कूड़े से बनाया हुआ आपका छत हो, इसी में किसी में भी आप डाल सकते हैं। कंडीशन ये कि आपका टेम्परेचर 20 to 30 degree वहां पे रहना चाहिए। अभी देखिए कि हम बोलते हैं कि 80 to 20, बट इसके लिए कुछ एसी लगाने की जरूरत नहीं है। हमारे यहाँ नो डाउट टेम्परेचर अभी 40 तक जा रहा है, बट वो फील्ड में रहता है, हमारे घर में नहीं रहता। तो ये मशरूम ऐसा है कि ये थोड़ा पार टेम्परेचर एडजस्ट कर लेता है। मानो कि समर में टेम्परेचर खूब ज्यादा बढ़ गया, तो आप इस पे थोड़ा कुछ जमीन पे पानी छिड़का के उसका टेम्परेचर डाउन कर सकते हैं। सिंपल सिंपल तरीके से आप वो आपके टेम्परेचर मेंटेन कर सकते हैं। एक बार बेड भरने के बाद 18 to 20 दिन आपको ये बेड को रैक पे रखना है। रैक पर रखने के बाद आपको दिखाई देगा कि 2-3 दिन के बाद जहां जहां बाहर से आपको मशरूम का जो स्पॉन है वो दिखाई दे रहा है, उसके जो बीज है वहां से जो कॉटन रहता है, रुई रहती है, उसकी जैसी ग्रोथ या फंगस की शुरू होना स्टार्ट होगी या शुरू होगी। और 20 से 22 दिन में ये पूरा जो आपका कूड़ा था येलो कलर का या कुछ चॉकलेट कलर का होगा, वो पूरा सफेद कलर में कन्वर्ट हो जाता है। इस चीज में क्या होता है, ये मशरूम का खाद है, उसको हमने स्टरलाइज करके बाकी के कीड़े मकोड़े सब फंगस बैक्टीरिया निकाल दिए हैं, और उसको अच्छी तरह से मॉइस्चर किया है। तो ये मॉइस्चर का यूज करके, प्रॉपर ऑक्सीजन का यूज करके उसको खा जाता है, और खा जाके पूरी तरह वहां पे फैल जाता है। तो 20 या 22 दिन, कभी कभी क्या होता है कि टेम्परेचर बहुत ही अच्छा रहता है, जैसे कि आपके यहाँ देखिए जब बारिश होती है, तो बारिश में क्या होता है कि टेम्परेचर हमारा 25 या 28 के बीच में रहता है। तो उस एनवायरनमेंट में आपका बेड 18 दिन में ही तैयार हो जाता है। बट जैसे कि टेम्परेचर अभी देखिए इस महीने में या आज का टेम्परेचर देखिए, शाम तक ये जाएगा 40 तक दोपहर को, और शाम को जाएगा सिर्फ 20 to 21। तो ये वेरिएशन बहुत है, तो उसको जरा थोड़ा सा शॉक बैठ जाता है, इसकी वजह से वो 4-5 दिन ज्यादा लेता है। बट इसके लिए कुछ कूलर लगाने की जरूरत नहीं, कुछ फैन लगाने की जरूरत नहीं, ना ही कोई एसी लगाने की जरूरत है, वो एडजस्ट कर लेता है। तो हमें भी 4 दिन एडजस्ट कर लेने चाहिए, उस हिसाब से हम बेड फिल करेंगे और साइकिल कंटिन्यू करेंगे। तो 20 दिन के बाद ये आपका पूरा ऐसा हो जाता है। इस दौरान आपको कोई उसको पानी छिड़कना नहीं है, कुछ नहीं, सिर्फ आपको देखना है कैसी ग्रोथ हो रही है। अगर कोई कंटेमिनेशन दिख दिया, जैसे कि हरे कलर का कुछ फंगस दिखा, ब्लैक कलर का कुछ फंगस दिखा, तो उसको हमें डिस्कार्ड करना है। अदरवाइज आपको कोई पानी वगैरह मारना नहीं है, सिर्फ उसको देखते रहना है। नेक्स्ट प्लीज। देन 22 दिन के बाद ये जो पॉलीथीन का बैग है उसको फाड़ के ये मशरूम बाहर नहीं आ सकता, तो उसको हमें कल्टीवेशन रूम में डालना है। तो कल्टीवेशन रूम में क्या करते हैं, हम इसका पूरा पॉलीथीन फाड़ देते हैं। आप जब ये पॉलीथीन फाड़ेंगे तो आपको दिखाई देगा कि ये जो आपका 2-2 सेंटीमीटर का टुकड़े वाला कूड़ा था, ये पूरा इतना कॉम्पैक्ट हो गया है जैसे गुड़ का ढेप रहता है, तो गुड़ के जैसा वो कॉम्पैक्ट हुआ होगा। आप ऊपर से नीचे फेंक भी देंगे तो टूटेगा नहीं। तो इसको आपको रैक्स में डालने हैं, यदि हैंगर्स, ये जो हैंगर्स है, ये जो हैंगर्स आपको दिखाई देंगे, ये बहुत ही लो कॉस्ट टेक्नोलॉजी है। आप रैक बनाने के लिए गए किसी लकड़ी का भी या किसी आयरन का भी, तो आपको 7-8 हज़ार रुपये एक रैक के लिए खर्चा आ जाएगा। बट ये बहुत ही डोमेस्टिक लेवल पे आपको कहीं पे भी मिल जाएंगे हैंगर जो हम नॉर्मली यूज करते हैं, तो इस हैंगर से कॉस्ट ऑफ ऑपरेशन हो जाता है। देन इसको यहाँ पे रखना है। इसको रखने के बाद दिन में 2 बार आपको क्या करना है, इसको पानी देना है। आपके यहाँ का टेम्परेचर कैसे है उस हिसाब से। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर, नेक्स्ट स्लाइड। हाँ बस, तो यहाँ पे क्या है, आपको 2 दिन में 2 बार पानी देना है। अब देखिए अगर समर है, यानी आज की जो कंडीशन है, इस कंडीशन में 2 बार आपको पानी देना पड़ता है सुबह शाम,
क्योंकि आपका जो बेड है उसको गीला रखना जरूरत है। अगर वो गीला नहीं हो, वो सूख गया तो उसमें से मशरूम बाहर नहीं आता, इसलिए उसको गीला रखने के लिए 2 बार। अगर एनवायरनमेंट बहुत ही नॉर्मल हो, टेम्परेचर 20-22 के आसपास हो, जैसे कि अपना बारिश के मौसम में, तो बारिश के मौसम में आप एक भी बार या अल्टरनेट डे पे भी पानी मारेंगे तो बेड क्या हो गया हो जाएगा, अच्छी तरह से गीला ही रहेगा। तो आपके यहाँ का तापमान यानी टेम्परेचर देख के बेड हरदम गीला रहना चाहिए, इस हिसाब से आपको दिन में 1-2 बार उसको पानी डालना है। पानी डालने के बाद आपको दिखाई देगा कि ये बेड से पॉलीथीन निकलने के बाद 3 दिन में ऐसे छोटे छोटे मशरूम्स बाहर आना शुरू हो जाता है कई कई जगह पे, और अगले 2-3 दिन में। उसके बाद भी आपको पानी मारना है, अगले 2-3 दिन में ही वो हार्वेस्टिंग के लिए तैयार हो जाते हैं। नेक्स्ट प्लीज देखिए, इस तरह से वो बढ़ जाएंगे। अब ये हार्वेस्टिंग कब करना है? साधा ऑन एन एवरेज जब आपका मशरूम का बेड 20-22 दिन में तैयार हो गया, तो आप उसको पॉलिथीन निकाल देंगे। 3 दिन में पिन हेड्स बाहर आएंगे, जिसको अंकुर बोलते हैं, वो पिन हेड्स 3 दिन में 2 दिन में आपको मैच्योर बन जाएंगे। मीन्स पॉलिथीन निकालने के बाद 4 या 5 दिन में आपके मशरूम्स हार्वेस्ट के लिए रेडी हो जाएंगे। अब टेक्निकल टर्म्स में उसका जो स्पोर रहता है वो निकलने से पहले आपको हार्वेस्टिंग करना है, बट वो तो हम आग से देख नहीं सकते। तो जब मशरूम के फ्रूट की जो आउटर एज है, पिछली वाली जो सरफेस है, वो अगर कर्लिंग होने लगे तो समझ जाना है आपको हार्वेस्ट करना है। ज्यादा से ज्यादा मशरूम जब कर्लिंग होने शुरू होंगे तो आपको उसको हार्वेस्ट करना है। हार्वेस्ट करने वक्त सब मशरूम एक ही साथ हार्वेस्ट करना है। ये अब देखिए, यहाँ पे कुछ मशरूम आपको छोटे छोटे दिखाई देंगे, कुछ बड़े दिखाई देंगे, बट जब 80% से ज्यादा मशरूम जब बड़े हो जाते, सब मशरूम एक साथ निकल लीजिए, क्योंकि जब आप बड़ा मशरूम निकालेंगे, छोटा मशरूम उसके साथ निकल आएगा और उसको डिस्टर्ब होगा, वो का क्या होगा, आपको पूरी तरह से मैच्योर नहीं होगा, वो जल ही जाएगा। तो बेटर वे सब निकाल लीजिए। निकालने के बाद वो जो आपका बेड है उसको सीधे सिंपल हाथ से, सादे हाथ से थोड़ा सा स्क्रैपिंग कीजिए। मीन्स इसके लिए कुछ कोम वगैरह कुछ जरूरत नहीं है, जो निकला हुआ जो कूड़ा कचरा है उसको साफ कर दीजिए और वो बेड फिर से रैक पर रख दीजिए, फिर से पानी डालते रहिए। 2-15 दिन के बाद आपको दूसरा फ्लश हार्वेस्टिंग के लिए आ जाएगा। फिर से उसी तरह हार्वेस्टिंग कीजिए, फिर से रख दीजिए, तीसरा हार्वेस्टिंग हो जाएगा। अब देखिए, ये 15-15 दिन के अंतर से आपको 3 हार्वेस्ट मिलने के बाद भी अगर आपने अच्छी तरह से वो बेड को पानी दिया तो मशरूम्स आते रहते हैं। बट इकोनॉमिकल टर्म्स में हम क्या बोलते हैं कि जो आपका फर्स्ट हार्वेस्ट होता है, जो पहली बार जो आप उसका मशरूम निकालेंगे, तो टोटल यील्ड के 50% यील्ड आपको उस वक्त मिल जाता है। देन सेकंड हार्वेस्ट में 35% ऑफ टोटल यील्ड, एंड थर्ड में 15% आपको मशरूम का जो है 15% बाकी बचा हुआ यील्ड आपको तीसरे हार्वेस्ट में मिल जाता है। उसके बाद भी मशरूम्स आते हैं, बट जितने सारे मशरूम आते हैं उस हिसाब से वो ज्यादा एरिया हमारे मशरूम कल्टीवेशन रूम में ले लेता है, तो वो इकोनॉमिकल नहीं होता। इसलिए हम फार्मर्स को इकोनॉमिकली 3 फ्लशेस ही सजेस्ट करते हैं। अब देखिए, ये मशरूम हार्वेस्टिंग हो गया आपका, तो हार्वेस्टिंग का सिंपल साइन ये है कि आउटर एजेस कर्लिंग जब होती है छोटी छोटी अंदर के साइड में, उस वक्त आपको हार्वेस्टिंग करना है। और वो हार्वेस्टिंग कैसे करते हैं, तो इसे पिक करके नहीं करना है उसको डायरेक्टली। ऐसे हम जैसे पौधा निकालते हैं इसमें मिट्टी से, उस तरह से नहीं निकालना है, इसको ट्विस्टिंग करना है। मीन्स आपकी जो उंगलियां है उसमें से ट्विस्ट करके, जो कि मशरूम निकालते वक्त वो जो बेड है आपका, मैंने बोला कि गुड़ की जगह जैसा हुआ है, बट वो उतना ही टनक नहीं होता, पानी देने की वजह से थोड़ा लूज पड़ जाता है। अगर आप ऐसा ओढ़ ओढ़ के निकालेंगे तो उसके साथ बहुत सारा स्ट्रॉ निकल आएगा, तो उस सेकंड फ्लश में दिक्कत आ जाएगी। तो उसको आपको ट्विस्टिंग करना है, सिर्फ आपके थंब और फोर फिंगर जो होता है
तो उसके उसमें लेके आपको क्लॉकवाइज और एंटी क्लॉकवाइज आपको ऐसे जैसे हम चाबी घुमाते हैं ना टू व्हीलर की, उस टाइप से आपको घुमा पे मशरूम निकलना चाहिए। मशरूम निकालने के बाद उसको जो कुछ थोड़ा फार स्ट्रॉ लगा होगा उसको निकाल दीजिए, उसको क्या चाकू भी यूज कर सकते हैं या सादे हाथ से भी वो निकल जाता है। देन उसको ग्रेडिंग कीजिए साइज के हिसाब से और उसको पॉलीथीन की बैग में, 100 गेज की पॉलीथीन बैग में हार्वेस्टिंग के लिए ले जाइए। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो ये आपको सेकंड फ्लश मिल जाएगा जो फर्स्ट फ्लश से कम होगा, 35% मिल जाएगा। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट। ये थर्ड फ्लश से कम हो जाता है, 1 मिनट इधर ही रखिए। तो ये मशरूम निकालने के बाद उसको क्या करेंगे, हम ग्रेडिंग करेंगे पॉलीथीन बैग में, उसको डालेंगे 100 गेज की पॉलीथीन बैग में। 200 कैपेसिटी की बैग लीजिए या 500 ग्राम की बैग लीजिए जो आपको मार्केटिंग के लिए अच्छी रहेगी। और इस बैग में डालने के बाद आप पनीर का भी यूज कर सकते हैं, आजकल पनीर भी यूज करते हैं, जो अंडे के पनीर होते हैं उस टाइप के पनीर्स में भी आप, या फ्रूट्स के पनीर, आप कीवी वगैरह फ्रूट्स अभी पनीर में आ रहा है, चिली ये लीची वगैरह उस टाइप के पनीर बॉक्स में आप यूज कर सकते हैं। उसमें डालिए, उसको छेद होने चाहिए, पंचिंग होल होने चाहिए, कम से कम 4 पंचिंग होल 200 ग्राम्स मशरूम के लिए होने चाहिए। और इसको कूलिंग चेन में मेंटेन रखिए। अगर नॉर्मल टेम्परेचर में रखा तो ऑयस्टर मशरूम सिर्फ 1 या 2 दिन ही अच्छा रहता है नॉर्मल टेम्परेचर में, बट अगर आप फ्रीजिंग कंडीशन में रखा मीन्स नॉर्मल फ्रिज में 8 डिग्री पे 10 डिग्री पे, तो ये 4-5 दिन तक अच्छी तरह से रहता है और आप मार्केटिंग कर सकते हैं। मार्केटिंग करते वक्त ये जो फ्रेश मशरूम है, इस फ्रेश मशरूम को मार्केटिंग के वक्त अच्छी तरह से फोटो दिखाइए, आपका प्रोडक्शन का डेट होना चाहिए, ये टोटली वेजिटेरियन है ये मेंशन कीजिए। इसके जो मैंने पहले वाले न्यूट्रिशनल प्रॉपर्टी और मेडिसिनल प्रॉपर्टी, एंटी कैंसर है, देन एंटी ऑक्सीडेंट है इसमें, ये सब कुछ देखिए। आजकल लोगों को बहुत सारा डर है कुछ हो ना जाए, तो लोग ले लेते हैं और उसको मार्केटिंग में चैनलाइज कर दीजिए। लोग मुंबई में, आपको आपने सुना होगा, आपने देखा होगा, कभी मुंबई आए तो दादर रेलवे स्टेशन पे सुबह 4 बजे मिट्टी और ऐश भी बिक जाती है, लोग मिट्टी भी बेचते हैं, वो सिर्फ मार्केटिंग स्किल है। किस लिए बेचते हैं मैंने आज तक उनको पूछा नहीं और लेने वाले को भी पूछा नहीं, तू क्यों ले ले रहा है। और हमने तो ये प्रोटीन से रिच, जिसमें बहुत सारे पौष्टिक मूल्य है, न्यूट्रिशनल वैल्यू है, मेडिसिनल वैल्यू है, ऐसा प्रोडक्ट तैयार किया है, उसका प्रॉपर मार्केटिंग कीजिए। कि ये अगर आपको बेचने जाएंगे लोग लेंगे ही, इसमें मेडिसिनल वैल्यू न्यूट्रिशनल वैल्यू देख के लेंगे ही, बट इसको लेके जाके इसकी सब्जी क्या बनानी है ये अगर मालूम नहीं है, इसकी क्या रेसिपी बनानी है, तो इसका यूज क्या है ये जब तक आप उसमें मेंशन नहीं करेंगे। एक लिफलेट डालिए या 3-4 लाइंस में आप रेसिपी लिख सकते हैं। जैसे कि मशरूम करी, रेगुलर तरह से करी कीजिए, उसमें मशरूम डालिए, मशरूम करी बन गए। नूडल्स, रेगुलर नूडल्स, उसमें मशरूम डालिए, मशरूम मशरूम पनीर, पनीर में आधा पार्ट कैंसिल करके पनीर की जगह ऑयस्टर मशरूम डालिए, आपका मशरूम पनीर बन जाएगा। तो इस हिसाब से आप जैसे, उसमें सिर्फ आपको मेंशन करना है कि आप घर में जो सब्जी बनाते हैं उस सब्जी का सेम प्रोसीजर यूज कीजिए, बट जो कुछ सब्जी यूज कर रहे हैं, वेजिटेबल यूज कर रहे हैं, उसका आधा पार्ट निकल के आधा पार्ट मशरूम डाल दीजिए, आपकी वो सब्जी बन जाएगी। तो इतने सिंपल सिंपल वो रेसिपीज है, वो इसके लिए कुछ अलग का रेसिपी नहीं है, जिसमें भी ये डाल जाएगा वो मशरूम के साथ रेसिपी में घुल मिल जाएगा। और ये आपको मेंशन किया तो अच्छी तरह से मार्केटिंग हो। अब सीखिए कि इतना करने के बाद भी अगर आपका मार्केटिंग हुआ नहीं, तो 3-4 दिन के बाद आप क्या करेंगे, तो इसको आप वैल्यू एडिशन कर सकें। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। तो इसमें आप क्या कर सकते हैं योगेश, हाँ, तो ये कुछ रेसिपी है, सारी सिंपल रेसिपी है, कुछ नहीं। मशरूम, ऑयस्टर मशरूम लिया है, उसको सिर्फ इसके चने के आटे में घुमा के भजिया बना दिए, देन मशरूम 1 डिब बनाए नॉन वेज। नेक्स्ट, नेक्स्ट स्लाइड। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। नेक्स्ट नेक्स्ट स्लाइड। तो क्या कर सकते हैं, 3-4 दिन के बाद अगर आपका फ्रेश नहीं हुआ तो क्या करेंगे, इसको हम सुखा सकते हैं।
सुखाएंगे कैसे? सुखाने के लिए दो तरीके, सादे आप धूप में डाल दीजिए वो सूख जाएगा, और नहीं तो बैच ड्रायर मिलते हैं मार्केट में जिसकी कीमत 1 लाख से आगे है, बट पहले आप धूप में भी सुखा सकते हैं। सिंपल है, क्या करना है आपको, एक पत्रा लेना है, उसके ऊपर है ना अच्छा सफेद कलर का या कौन से भी कलर का अच्छा कपड़ा डालना है, उसके ऊपर मशरूम डाल दीजिए, दर 1 घंटे के बाद उसको उसको ऐसे घुमाते रहिए, नीचे ऊपर ऊपर नीचे करते रहिए, जो सूरज की हीट है वो और आपके पत्रे की हीट दोनों के बीच में ये अच्छी तरह से 1-2 दिन में अच्छी तरह से सूख जाता है। तो ये सूख जाने के बाद उसको आप ड्राइड मशरूम को एयर टाइट पैकिंग में 1.5 से 2 साल तक रख सकते हैं, ऑयस्टर, और ड्राइड ऑयस्टर मशरूम 20-20 ग्राम 30-30 ग्राम का पैकेट करके आप इसका वेस्ट लाइफ जो होता है काटने के बाद का जो आयुष्मान होता है वो बढ़ा सकते हैं। इस ड्राइड मशरूम से मशरूम के पाउडर भी बना सकते हैं, उसको मशरूम पाउडर बोल दीजिए, उसमें थोड़ा मीट मिर्ची डाल दीजिए, मशरूम का रेडीमेड सूप तैयार हो गया। मशरूम का कैप्सूल बना सकते हैं, रेगुलर कैप्सूल जो बनाते हैं मेडिसिन के, उसमें सिर्फ 1-2 ग्राम आपका मशरूम का पाउडर डाल दिया, मशरूम कैप्सूल बन गया। मशरूम का पिकल, जिस तरह से हम किसी भी चीज का यानी आपके आम का पिकल बनाते हैं, आम का अचार बनाते हैं या आप नींबू का अचार बनाते हैं, उसी हिसाब से आम की जगह मशरूम डाल दीजिए, वही कंटेनर रखिए, आपका अच्छी तरह से मशरूम का अचार बन जाएगा। देन मशरूम का ये जो पाउडर है बिस्किट में यूज कर दीजिए, मशरूम बिस्किट हो जाएगा। मशरूम सॉस बना सकते हैं, जो पापड़ रहते हैं मूंग के या उड़ीद के, उसमें इसका 2% या 5% डाल दीजिए, मशरूम पापड़ बन जाता है। कि जो आप मार्केटिंग के वक्त बोल सकते हैं इसको फोर्टिफाई किया है, उसको ज्यादा न्यूट्रिशंस बना दिया है, तो वो अच्छी तरह से मार्केट में चलता है और आपको एडिशनल इनकम मिलता है। देन मशरूम मसाले, अलग अलग मसालों में भी आप डाल के बेच सकते हैं, मीन्स इसको वैल्यू ऐड कर सकते हैं। तो अगर आपका 4 दिन में फ्रेश नहीं बिका तो भी आपका 1-1.5 साल तक वो उसका वेस्ट लाइफ बढ़ जाता है। अब देखिए मशरूम की कॉस्ट कितनी है, ये जो ऑयस्टर मशरूम है, बटन मशरूम तो वेरी पॉपुलर है हमारे यहाँ। सबसे बड़ी दिक्कत यही कि मशरूम बोलो तो लोगों को बटन मशरूम ही दिखाई देता है, आँख के सामने वही आता है, जो छाता छाता चाहिए तो मशरूम बोलते हैं। ऑयस्टर मशरूम वो सिंपली जैसा रहता है, ऑयस्टर जैसा रहता है, इसको इजीली नहीं बोलते, बट जो आदमी ऑयस्टर मशरूम खाता है, सच्ची में बताता हूँ, वो आदमी फिर से बटर मशरूम नहीं खाता, वो डेफिनेटली मांग के ले जाता है, मुझे ऑयस्टर मशरूम दीजिए, इसका टेस्ट मोर गुड देन बटर मशरूम से बहुत अच्छा है। और ये मशरूम जो है, अगर ये मशरूम का प्राइस अगर आपको चाहिए, बटर मशरूम तो कोई भी आपके आपके मार्केट से लेते हैं, मिडल एजेंट रहते हैं, बट ऑयस्टर का आप खुद मार्केटिंग कर रहे हैं, तो आपको आप क्या करिए, आप सबसे बड़ी बात, आप इसका प्रोडक्शन कॉस्ट के हिसाब से इसका कॉस्ट फाइनल कर दीजिए। हमने जो कैलकुलेट किया है, अगर हर दिन आप 15 से 20 केजी का ऑयस्टर मशरूम प्रोडक्शन शुरू कर देते हैं, नॉट 1 केजी, 15 से 20 केजी, तो आपको प्रोडक्शन कॉस्ट आ जाता है 40 रुपए पर केजी। अगर स्ट्रॉ लोकल है, आपको सिर्फ खर्चा किसमें, पॉलिथीन बैग है कि केमिकल का कुछ छोटा मोटा खर्चा है, और आपका 2-3 रुपए का कार्ड हो, ये स्ट्रॉ हो गया, स्पॉन का स्पॉन का रेट मैं भूल गया बताना आपको, वो बाद में बताऊंगा, तो स्पॉन का रेट ये सब मिला के 40 रुपए से आगे नहीं जाता, कंडीशन की डेली आप 20 20 केजी ऑयस्टर मशरूम हार्वेस्ट कर रहे हैं तो उस हिसाब से आप 50% मार्जिन, हाँ 100% मार्जिन पे 80 रुपए केजी पे भी ये कर सकते हैं, बेच सकते हैं, 100 रुपए केजी से भी बेच सकते हैं। पूना में तो कुछ ऐसे मशरूम ग्रोअर है, दो 200 केजी पर 200 रुपए पर केजी से ऑयस्टर मशरूम बिक रहे हैं, जो कि बटन मशरूम यहाँ पे 90 और 100 रुपए से, इतनी प्रोडक्शन कॉस्ट जिसकी 80 रुपए पर केजी है वो स्टोर में बेच रहा है। ऑयस्टर मशरूम में स्काई इज लिमिट, वर्जिन फील्ड है, किसी को मालूम नहीं है, आप उगाइए, अच्छा मार्केटिंग कीजिए, बट यहाँ पे बहुत सारी मेहनत लेनी पड़ती है, मेहनत के बिना आपको जीवन में कुछ नहीं मिलेगा। आप में से तो बहुत सारे मुझसे भी एजेड होंगे, आपको तो मुझसे ज्यादा पता है, आप गुरुजन हो तो आपको ये सब बातें मालूम होंगी, तो आपको मेहनत लेनी पड़ती है। और जो यंग है ट्रेनिंग लेने वाले, उनको तो मैं सलाह दूंगा कि जब तक आप मेहनत नहीं करते आपको कुछ नहीं मिलेगा, ये कम से कम इसमें इन्वेस्टमेंट में अच्छी तरह से, आपको कुछ धूप में जाना नहीं है, खेती में कुछ नहीं,
हाईटेक वेंचर है, लोगों को देखने की हमारे पास ये जो विजन रहता है वो भी अलग रहता है, और अच्छा तरह का एक एंटरप्राइज आपके यहाँ ऑयस्टर मशरूम की खेती से आपको मिल सकता है। अभी इसमें एक बात मैं भूल गया कि कितना बीज यूज करना है, तो 2% आपका जो स्ट्रॉ होता है, स्ट्रॉ के जो वेट है उसके 2% वेट वेट बेसिस, मीन्स मैंने आपको बताया कि 35 बाय 55 की उस बैग में, पॉलिथीन बैग में आपका 3 kg का स्ट्रॉ बैठ जाता है, तो 3 kg के लिए 2% हिसाब से आपको 60 से 80 ग्राम तक आपको मशरूम डालना है। मीन्स 1 kg अगर आपके पास कॉर्न है तो 10 से 12, 35 बाय 55, मीन्स 35 से 55 सेंटीमीटर वाली जो पॉलिथीन की बैग है वो आपको 12 बैग आप फिल कर सकते हैं, मीन्स 2% वेट वेट बेसिस में। अगर इसमें देखिए आपने पूरा 1 kg भी एक बैग में डाला तो उतना ही मशरूम मिलेगा, 5 में भी डाला तो 5 का ही मिलेगा, और 12 में डाला तो आपको बढ़ जाएगा। वो ज्यादा मशरूम का स्पॉन डालने से ज्यादा यील्ड मिलता है, ऐसा कुछ कंसेप्ट नहीं है। वो एक बात मैं गलती से भूल गया था, वो एक नोट कर लीजिए, 2% स्पॉन हम यूज करते हैं, मीन्स 1 kg में 10 से 12 बीड़ा केजी के वेट से हिसाब से कर सकते हैं। अच्छी तरह से अगर आपने मार्केटिंग की, वैल्यू एडिशन किया तो चलना, आपके या तो फाफड़ा वगैरह बहुत कुछ स्नैक्स के आइटम्स रहते हैं, और सबसे अच्छी चीज हमारे यहाँ पुणे में, मैं पूरे 10 साल एग्रीकल्चर कॉलेज पुणे में मशरूम प्रोजेक्ट में काम करता था, आज तक मैंने मोर देन 1000 ट्रेनिंग लिए होंगे ऑयस्टर मशरूम और बटन मशरूम के, और इसके दरमियान हम पिछले 2-3 साल से बहुत सारे लोग गुजरात से आ रहे हैं हमारे यहाँ ट्रेनिंग के लिए, और उनसे ये पता चलता है कि गुजराती लोग पीपल सर मोस्ट ऑफ देम आर वेजिटेरियन, तो वहाँ पे कुछ ये जो विटामिन बी 12 या इधर जो मांस मछली से मिलने वाला जो न्यूट्रिशन है उसका बहुत सारा प्रॉब्लम है, तो उसको आप टारगेट कीजिए कि वेजिटेरियन पीपल के लिए अच्छा है, तो मार्केटिंग आपका अच्छी तरह से हो जाएगा, टेक्निकल इश्यू आपको कुछ भी नहीं आएगा। ये मैं पीपीटी तो शेयर मैंने ऑलरेडी किया है सर के साथ, अगर आपको कभी भी कोई दिक्कत आ गई तो आप मुझसे फोन पर बात कर सकते हैं, मेरा नंबर है 7588062538, या आप पावर सर से भी ले, योगेश पावर सर से ले सकते हैं, और इसका जो आपको प्रैक्टिकल डेमोन्स्ट्रेशन लेना हो तो मैं तो सलाह लूंगा कि यूट्यूब पे देखिए, बट यूट्यूब से देख के खेती नहीं की जा सकती, आप तो बहुत सारे किसान हो, सभी बातें तो उसमें अच्छी तरह से नहीं की जाती, कुछ बातें ऑथेंटिक नहीं होती, उसका मार्केटिंग फंडा है, जो खेत में काम करने वाला ये जो है आपका खेत में काम करने वाला जो किसान है उसको उतना टाइम नहीं है कि वो वीडियो शूटिंग करके यूट्यूब पे डाल दो, जिसका बिजनेस है वही यूट्यूब पे डाल देता है, तो रादर देन जो अच्छी जगह ट्रेनिंग दिया जाता है गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जैसे कि डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च चंबाघाट है, या पुणे में AICRP ऑन फ्रूट है, या अगर आप दांतेवाड़ा या उस एरिया से आपको राजस्थान में उदयपुर अगर पास है तो उदयपुर में एक AICRP का सेंटर है, महाराणा प्रताप एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ऑफ एग्रीकल्चर एंड टेक्नोलॉजी में, या बांदा में एक एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी है, यहाँ पे भी लिया जाता है। प्राइवेट ट्रेनिंग मत लीजिए, गवर्नमेंट ट्रेनिंग लीजिए, जितना कम इन्वेस्टमेंट आप कर सकते हैं पहले उतना कम कर दीजिए, एक्सपर्टाइज लीजिए और मैन पावर तैयार कीजिए, अच्छा मैन पावर आपको, क्योंकि टेक्निकल है, कुछ चीजें ऐसी है कि जो अगर फॉलो नहीं की तो आपके कल्टीवेशन में दिक्कत आ जाती है। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर, नेक्स्ट स्लाइड। तो इस तरह के वैल्यू एडेड प्रोडक्ट है, कुछ नहीं, हम जो बिस्किट रेगुलर बनाते हैं ना, कुकीज बनाते हैं अलग अलग, उसमें सिर्फ पाउडर डाला है, ब्रेड भी बना सकते हैं, ब्रेड के इसमें सिर्फ फोर्टिफाई करना है 2% 5%। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। अब मशरूम के जो फार्म है कैसे रहते हैं मैं आपको दिखाऊंगा, ये देखिए सादे सिंपल स्ट्रक्चर से, ये जो आपको बीच में ऊपर से नीचे बीच वाला जो फोटो दिख रहा है वो स्पॉन का जो मैंने बताया था ना आपको रूम, कि जिसमें आपको क्लोज रूम चाहिए, तो ये सिंपल सिंपल हिसाब से आप कर सकते हैं, रैक की वजह ये जो है इसमें लेफ्ट साइड में जो नीचे वाला है कि उसमें आपको ये हॉट एयर से करने वाला जो बॉयलर है और उसका जो टंकी है वो दिखाई देगा, और ये क्रॉपिंग रूम है,
तो इस तरह से सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर का यूज कर सकते हैं। नेक्स्ट प्लीज, इसमें कुछ सीमेंट कंक्रीट की जरूरत नहीं है। नेक्स्ट स्लाइड सर, सिंपल स्ट्रक्चर। अभी देखिए यहाँ पे लकड़ी वाला रैक यूज किया है, ऊपर तो सिर्फ बोरिया है, साइड में सिर्फ प्लास्टिक लगा हुआ है, या शेड नेट जो है शेड नेट आपने रख दिया है, या जो जूट की बोरी है वो रख दी है। नेक्स्ट प्लीज, या अलग अलग जगह पे है महाराष्ट्र के। नेक्स्ट प्लीज, अभी देखिए ये कोकन एरिया में, वहां पे थोड़ा ह्यूमिडिटी ज्यादा रहता है, कोस्टल एरिया है, समुन्दर के पास है, तो इन्होंने जो वहां के सिंपल स्ट्रक्चर ऊपर पत्थर डाला है और साइड में सिर्फ वहां पे जो लोकल पत्थर मिलता है उसमें से कर दिया है, वो सिंपल तरह से किया है। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट स्लाइड प्लीज सर। योगेश सर नेक्स्ट स्लाइड। हाँ ये भी देखिए एकदम सिंपल सिंपल, आपको यहाँ पे सादा बांबू का यूज करके, जो उसके पास है, फार्मर के पास बहुत सारी चीजें होती है जो फेंक देता है, यूज नहीं करता, किसके पास अगर बांबू है तो बांबू का भी कर सकते हैं, रैक का भी करने की जरूरत नहीं, और वो जो हैंगर है वो भी करने की जरूरत नहीं, जो कुछ आपके पास अवेलेबल है उसका यूज करके मॉडिफाई करके आपके लेवल पे आप कर सके, इसके लिए कोई कंसल्टेंट की जरूरत नहीं। हमारे जैसे जो यूनिवर्सिटी में केवीके में काम करने वाले लोग हैं उनसे बात कीजिए, अपने लेवल पे मॉडिफाई कीजिए, ये मार्केट में बहुत सारे ऐसे बदमाश बैठे हुए हैं कि वो आपको ठगते रहते हैं, कंसल्टेंसी के नाम से उनके पास मत जाइए। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट प्लीज सर। तो ये देखिए ये ऊपर वाला अगर आप देखेंगे, सिर्फ शेड नेट का यूज किया है, बाकी कुछ नहीं है, और ऊपर पत्थर डाला हुआ है, सो सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर्स के साथ से, और साइड में ह्यूमिडिटी रहने के लिए जूट का बैग लगा के उसको पानी मारेंगे, स्प्रिंकलर लगा देंगे, तो ह्यूमिडिटी भी बढ़ जाएगी और टेम्परेचर भी थोड़ा सा 1-2 डिग्री कम हो जाएगा और अच्छी तरह से आपका मशरूम आ जाएगा। नेक्स्ट प्लीज, नेक्स्ट सर। देखिए एकदम सिंपल सिंपल मशरूम के फार्म है ये सब, पुणे के आसपास के हैं, सिल्वर फ्लोरा, ये जो वुमेन का सेल्फ हेल्प ग्रुप है उनका एक मशरूम का प्लांट है, सिर्फ सारी औरतें ही है घर के घर बनाती है और सब प्रोटेक्शन लेती है, जैसे कोरोना ट्रीटमेंट के लिए डॉक्टर्स ग्लोव वगैरह यूज करते हैं उस तरफ से, यानी कि किसी भी पॉइंट पे कोई कंटेमिनेशन का चांस नहीं रहना चाहिए उसके, वो पूरा ये ले रहे हैं, प्रिकॉशन ले रहे हैं। नेक्स्ट प्लीज, देखिए ये फाउंटेन एग्रो थाने के आसपास है, सादा शेड नेट है, अंदर कुछ नहीं है, कोई लकड़ी का बना हुआ शेड नेट से बना हुआ, सिंपल स्ट्रक्चर, सिंपल इन्वेस्टमेंट में जो कुछ आपके पास अवेलेबल रिसोर्सेस है उसका यूज करके, अगर आपके पास कोई पोल्ट्री का शेड पड़ा हुआ है, कोई फार्म इम्प्लीमेंट का शेड पड़ा है, उसको कन्वर्ट करके आप मशरूम कल्टिवेशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। नेक्स्ट स्लाइड प्लीज। सर नेक्स्ट स्लाइड, अभी ये देखिए ये स्पॉन यूनिट है, नासिक में है, हमारे एक दोस्त है पवार सर, बहुत दिनों से 15-20 साल से ये मशरूम का स्पॉन और मशरूम का खेती कर रहे हैं, इनका कल या परसों आपको एक लेक्चर मार्केटिंग के बारे में होगा, अच्छा आदमी है, अच्छी तरह से मार्केटिंग भी करते हैं और स्पॉन भी क्वालिटी बनाते हैं, वो इंफ्रास्ट्रक्चर बहुत अच्छा है, मैंने जब मशरूम प्रोजेक्ट शुरू कर दिया था, मशरूम प्रोजेक्ट में रिसर्च का काम 2006 में शुरू किया, उससे पहले ही ये मशरूम का खेती करने वाला आदमी है, ये अपने उम्र के मुझे लगता है 18-20 साल से ये मशरूम में है, वेरी इंथुजियास्टिक पर्सन, उसका लेक्चर भी आपको बहुत पसंद आएगा, तो वो लेक्चर आप जरूर अटेंड कीजिए, किरण पवार नाम है उनका, सिद्धार्थ मशरूम नाम से उनका लेबोरेटरी है नासिक रोड में, नासिक में। नेक्स्ट प्लीज, ये सिंपल सिंपल स्ट्रक्चर के मशरूम प्रोजेक्ट दिखाए। नेक्स्ट प्लीज, सो इस हिसाब से सादा से सादा स्ट्रक्चर का यूज करके आप मशरूम का प्रोडक्शन कर, ऑयस्टर मशरूम का, बटन का नहीं, इसमें इस इंफ्रास्ट्रक्चर में बटन का एक सिंगल बटन भी कल्टीवेट नहीं हो सकता, उसका टेक्नोलॉजी अलग है, डॉक्टर श्वेत कर्मल विल डिलीवर अ वेरी गुड लेक्चर, ही इज माई गुरु एंड मेंटर फॉर पीएचडी, सो आप उनका भी अच्छी तरह से सुन लीजिए, और मैं आप केवीके के जो इंचार्ज है, इंचार्ज सर, योगेश सर, दे डायरेक्टर एक्सटेंशन ऑफ द यूनिवर्सिटी, सबका धन्यवाद मानता हूँ कि उन्होंने मुझे
लेक्चर के लिए इनवाइट किया। काश ये लेक्चर आपको पसंद आया हो आया होगा। अगर आपके कोई डाउट है तो मेरा नंबर मैंने ऑलरेडी आपको बता दिया है, तो आप अगर नंबर नहीं शेयर हुआ होगा तो आप योगेश पवार से ले सकते हैं। ओके, थैंक यू वंस अगेन, धन्यवाद। थैंक यू सर, थैंक यू, थैंक यू सर। सर यानी क्यूरियस मतलब हाँ वो ही डिस्कस करते हैं सर। बहुत अच्छा, मतलब बहुत सर आपने प्रैक्टिकल जो चीज चाहिए और ऐसे ही लोगों के हमने लेक्चर रखे और सर ने तो मतलब टोटली पैकेज आपको बताया है, मतलब मार्केटिंग या टाइप और सभी चीजें मतलब उसमें कवर होगी, क्या कर सकते हैं, बहुत सारे एक नहीं एक सिस्टम के लिए एक मतलब मेथड के लिए चार चीजें कैसे यूज कर सकते हैं वो सब चीजें मतलब कवर की है सर ने। उसके लिए पूरे केवीके और जो भी पार्टिसिपेंट है और दांतीवाड़ा एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी की तरफ से मैं सर को अभिवादन करता हूँ। और जो क्वेश्चन आए थे सर, बहुत सारे क्वेश्चन के तो आंसर मिल गए लेकिन तो भी कुछ जो लोगों के जो क्वेश्चन थे उसके बारे में थोड़ा सर डिस्कस करते। इसमें देवेंद्र पटेल जी का क्वेश्चन था कि कोकोपीट यूज कर सकते हैं क्या इसमें सब मीडिया के लिए। कोकोपीट आपको तो एक तो लाते हैं आप केरल से और उसका कॉस्ट ऑफ कल्टीवेशन बहुत बढ़ जाएगा। आपके खेत में अगर आपको कुछ कूड़ा मिल रहा है ना तो वही यूज कीजिए। फार्मर्स लिटरली उसको जला देते हैं, बट आप अगर उसके पास जाएंगे फार्मर आपके सामने आग लगा देगा, आपको फोकट में नहीं देगा, आपको बहुत कम कीमत में कोकोपीट से भी कम कीमत में मिल जाएगा। और कोकोपीट में उतने सारे न्यूट्रिशन नहीं कि ऑयस्टर मशरूम आ सकता है। वो बटन मशरूम में केसिंग के लिए यूज होता है। ऑयस्टर मशरूम कल्टिवेशन होगा बट उतना यील्ड नहीं आएगा, आप उसका ट्राई मत कीजिए। रादर देन आपके पास बहुत सारे ऑप्शन है, खेत में जो कुछ आप उगाते उसका कूड़ा यूज कर सकते हैं। ओके ओके गुड सर। वही सर जो कॉस्टिंग कम होने की बात है उसके लिए हमको जो प्रैक्टिस करनी है। बाद में अपने जो पद्मश्री गेनाभाई पटेल है उनका क्वेश्चन था कि बनासकांठा के लिए कौन सा मशरूम अच्छा रहेगा जिसका एक्सपोर्ट भी हम कर सकते हैं, ऐसा क्वेश्चन था उनका। बनासकांठा सर ये कहाँ पे आता है? सर ये बनासकांठा में सर मतलब मैं बता दूं आपको, जो सैंडी सॉइल है और 45 तक टेम्परेचर जाता है समर में और विंटर में सर बिलो 10 टेम्परेचर होता है, यहाँ पे 10 तक आता है टेम्परेचर। यहाँ पे आप सीजनल तो कोई ले नहीं सकते। अगर फार्मर के पास इन्वेस्टमेंट कैपेसिटी है अच्छी तरह से, अगर कोई कोल्ड स्टोरेजेस ऑलरेडी वहाँ बंद पड़े हुए होंगे तो उनको आप कन्वर्ट कर सकते बटन मशरूम में, जिसमें एक्सपोर्ट क्वालिटी बटन मशरूम आपको मिल जाएगा। नहीं तो आप वहाँ पे जो समर में बनसवाड़ा एरिया में आप जो मिल्की मशरूम है उसको उगा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं आएगी। और ऑयस्टर मशरूम भी कुछ ऐसी जातियाँ है कि जो लो टेम्परेचर में भी आती है, कुछ हाई टेम्परेचर में आती है, ये जनरल जातियाँ मैंने बताई है, तो आप ये भी मशरूम ले सकते। हमने सर इस बार ऑयस्टर मशरूम का सक्सेसफुली किया था सर, विंटर में बहुत अच्छा रिजल्ट है, बहुत अच्छा प्रोडक्शन मिला है उसका, बहुत सारे फार्मर के या 5-6 फार्मर के या इंट्रोड्यूस मतलब स्टार्टअप किया है उसका, तो अच्छा रिजल्ट है ऑयस्टर मशरूम का भी, तो उसका मतलब इजीली कर सकते हैं। और दूसरा एक क्वेश्चन था कि उसके लिए पोटैटो का जो आता है प्लांट उसका जो वेस्ट होता है वो यूज कर सकते हैं क्या सर उसके लिए? नहीं, जनरली पोटैटो का जो रहता है ना उसका जो वेस्ट है वो ज्यादा नहीं रहता, उसका पानी जल्दी निकल जाता है, तो वो वैसे प्रैक्टिकल नहीं होगा यूज करना। यूज बट जब हम लास्ट स्केल पे जाएंगे ना तो यूज करना बहुत दिक्कत हो जाएगी। बेटर वे आप गेहूं है आपके यहाँ, सबसे अच्छी बात ये कि आपके यहाँ का सबसे अच्छा जो कार्ड है स्ट्रॉ है वो आपके यहाँ कॉटन बहुत सारा होता है, कॉटन पे यील्ड भी ज्यादा है, तो ये कॉटन प्लस व्हीट स्ट्रॉ, कॉटन प्लस पैडी स्ट्रॉ, कॉटन प्लस आपका ग्राउंड नट स्ट्रॉ, मस्टर्ड है सर, मस्टर्ड 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 में भी अच्छी तरह से आता है, तो इसको 1:1% 1:1 प्रोपोर्शन में आप यूज कर सकते हैं। और दूसरा एक सर क्वेश्चन था उनका कि जो दाडम है मतलब पोमोग्रेनेट है उसका जब कटिंग करते हैं उसकी जो वेस्ट है उसको यूज कर सकते हैं क्या हम उसके लिए? नहीं, पोमोग्रेनेट का कटिंग का वेस्ट नहीं, नहीं नहीं, क्योंकि पोमोग्रेनेट का जो कटिंग आपको मालूम होगा वो बहुत ही हार्ड होता है। यस यस, उसका जो डिकम्पोज नहीं होगा वो, कटिंग करते है ना और होता है, तो इतना हार्ड तो ये मशरूम खा नहीं सकता, तो उसको जरा राइट
और दूसरा एक क्वेश्चन था किसी का, ऑर्गेनिक फार्मिंग कर सकते हैं क्या इसकी, मशरूम की? तो उसके लिए तो स्पेशल लेक्चर है अपने पास कल, तो उसका तो ऑर्गेनिक का तो सक्सेसफुल है, और सर ने भी बहुत सारी हॉट वाटर ट्रीटमेंट और वो चीजें बताई जो ऑर्गेनिक फार्मिंग वो में इंक्लूड होती लेक्चर है। लेते लेते उनका वो मैंने क्वेश्चन सुना पढ़ा था, तो उनके उनको वहीं पे क्लियर कर दिया था। अगर आपको ऑर्गेनिक करना है तो आप सिर्फ एक केमिकल की वो जगह पे ये दो में से एक यूज कर दिए, आपका ऑर्गेनिक हो जाएगा। और दूसरा जो उच्छट जी का क्वेश्चन है, नेपियर ग्रास यूज कर नेपियर ग्रास स्ट्रॉ यूज कर सकते हैं क्या? नेपियर ग्रास स्ट्रॉ नेपियर ग्रास ग्रास। स्ट्रॉ यूज कर सकते हैं। मैं आपको बार बार वही बता रहा हूँ कि आप कौन सा भी स्ट्रॉ आपके खेत में जो कोई क्रॉप लेते हैं वो यूज कर सकते हैं, बट इसकी प्रैक्टिकेबिलिटी देखिए। नेपियर अगर आप मशरूम की बजाय बेचेंगे तो आपको ज्यादा पैसा मिल जाएगा। इसको राइट 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 जो कैटल वाले गाय भैंस पालने वाले, क्योंकि उसके खाद का तो राइट बहुत इश्यू है, आपको उसमें ज्यादा पैसे मिल जाएंगे। और वो जो उस पैसे में से 5-10% में आप स्ट्रॉ खरीद सकते हैं, तो आपका ये कॉस्ट ऑफ राइट कल्टीवेशन आता रहेगा। अगर आपके पास नेपियर है आप यूज कर सकते हैं, उसको अच्छी तरह से सुखा के उसको आप यूज कर सकते हैं, नो डाउट, बट वो प्रैक्टिकल नहीं है, वो दूसरी चीज के लिए। तो अगर आपके पास ज्यादा पड़ा हुआ है उसको कट करके अच्छे से सुखा के यूज कर सकते हैं, बट यील्ड कम आ ओके जाए। ओके सर। और ये बीटी कॉटन का तो वो तो बात हो गई। नहीं है क्योंकि पोटैटो का जो स्ट्रॉ रहता है उसकी जो पत्ते रहते हैं बहुत जल्दी वो निकल जाते हैं, तो सिर्फ उसकी काड़ियां रहेंगी। उसको किसी और में, अगर आपके पास बहुत सारा पोटैटो का स्ट्रॉ है ना, तो आप उसको मिक्स करके यूज कर सकते हैं। जैसे कि आपके पास देखो ये कॉटन है, तो कॉटन के साथ पोटैटो 1:1, एक बाल्टी उसकी एक बाल्टी इसकी मिक्स करके यूज कर सकते हैं। ओके ओके सर ओके। और दूसरा एक सर लास्ट क्वेश्चन है कि स्पॉन के लिए सोर्स कौन सा है, स्पॉन कहाँ से मिलेगा इन लोगों को, ऐसा क्वेश्चन है आपको फार्मर्स स्पॉन का। तो बहुत सारी जगहों से मिल जाएगा। गुजरात में आपके यहाँ पे भी बड़ौदा में कोई अभी स्पॉन बना रहा है, बट उसके ऑप्शन सूरत में मैं भी है। नहीं ले सकता, इसलिए हम तो कांटेक्ट नंबर भी नहीं देते। आपको ऑथेंटिक ओके स्पॉन जो है वो मिल जाएगा 2-3 जगह से, जहां पे भी ऑल इंडिया कोऑर्डिनेटेड रिसर्च प्रोजेक्ट का नेटवर्क है वो ओके स्पॉन है। जैसे कि पूना में एक है, एमपी के भी के अंदर एक, उदयपुर में है महाराष्ट्र एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी, बांदा में एक है, देन डीएमआर सोलन से मिल जाएगा, और प्राइवेट वाले हैं, ओके बट उनके ऑथेंटिसिटी का बहुत बड़ा ऑथेंटिक इशू है। क्या होता है कि हम जैसे साइंटिस्ट अगर बताते हैं किसी का नाम, और फार्मर और उसके बीच में अगर कोई दिक्कत आ गई ना तो बहुत में दिक्कत आ जाती है। तो आप पहले उनसे बात कीजिए, प्राइवेट मशरूम ग्रोवर और मशरूम के जो स्पॉन लैब है उसका डेटाबेस डायरेक्टरेट ऑफ मशरूम रिसर्च की वेबसाइट पे अवेलेबल है, एक्सेल शीट में। आपको उनके ईमेल पुरुष और फोन नंबर मिल जाइए, बट आप सैंपल लेके उसकी ऑथेंटिसिटी, प्रॉपर पेमेंट प्रोसीजर, प्रॉपर डिलीवरी, ये सब चीजें देख के अपने हिसाब से उनके साथ डील कीजिए, बट जितना ऑथेंटिक हो सके गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशन से ही लीजिए। ओके सर थैंक यू। और सर एक लास्ट क्वेश्चन है, अब हाई टीडीएस वाला वाटर सर यूज कर सकते हैं क्या? यहाँ पे सर 2000 TDS का आई थिंक वाटर होगा जो मतलब कच्छ एरिया है सर उस साइड में। वो तो क्या कर सकते हैं आप, आपको जो स्ट्रॉ जो आपको भिगोते हैं उसके लिए तो वाटर का कुछ क्वालिटी का पैरामीटर ले, पर जो वाटर आप बेड पे मारते हैं ना उसके लिए आपको शॉर्पनर लगाना पड़ेगा। शॉर्पनर लगा के टीडीएस थोड़ा कम करके आप यूज कर सकते हैं। मार्केट में ओके ओके सर। फ्री इंडस्ट्रियल शॉर्पनर्स मिल जाते हैं। हाँ, ओके। तो बाकी तो जो स्पॉन के क्वेश्चन है, स्पॉन का तो कल लेक्चर है अपना, इसलिए उसको तो कोई ज्यादा डिस्कस करने की जरूरत नहीं है। स्पॉन का तो कल स्पेशल अपना लेक्चर रखा है एक्सपर्ट का, तो उसके लिए तो कोई डिस्कस करने की जरूरत नहीं। तो अब बहुत मतलब बहुत इंफॉर्मेटिव और थैंक यू कहना चाहता हूँ। और हमारे जो बहुत अच्छा सर ने किसान है, ऐसे ही अपने को और 2 दिन ट्रेनिंग लेनी है, और बहुत सारी इंफॉर्मेशन हमको इसमें से आपको ट्रांसफर करनी है, जिसमें से बहुत सारे किसानों को फायदा होगा। और इसके लिए कमर्शियल कोई यूनिट करना है तो भी वो फार्मर उससे कर सकता है। आज तो जो आप सेशन छे, आज टेक्निकल सेशन पहला दिवस नो छे, आपणे पूरो
થયું છે અને આપણે આજે આ જાહેર કરીએ તો હવે કાલે તમે 10 વાગ્યા પહેલા બધા ખેડૂતો જોડાઈ જાઓ અને બીજા જે આપણા એક્સપર્ટ છે એ લોકો એ રીતે જ બહુ સરસ લેક્ચર આપણે ગોઠવેલા છે ઓર્ગેનિક ફાર્મિંગનું, ત્યારબાદ સ્પોન પ્રોડક્શન કઈ રીતે કરવાનું, બધું જ તમારા એકદમ સરસ એક્સપર્ટ પ્રેક્ટિકલ નોલેજ વાળા માણસો આપણે બોલાવેલ છે, એટલે તમને સારી એવી ઇન્ફોર્મેશન એ લોકો આપશે, તો એ રીતે જ ખેડૂતોનું રિસ્પોન્સ સારું રહે એ રીતે તમે પ્રયત્ન કરો અને જે પ્રેઝન્ટેશન હોય કે આ જે ઇન્ફોર્મેશન છે એ બધી તમને મળી જશે. ખાલી એક જ મારી વિનંતી છે કે વગર કામનું કે બીજા કોઈ વગર કામના પ્રશ્નો પૂછવા માટે મત તમે કોઈને ફોન કરો સાયન્ટિસ્ટોને, એટલે શું થાય કે એ લોકો બીજા ખેડૂતોને પછી શું થાય એના લીધે થાય, જે તમારે ટેકનિકલ કોઈ ક્વેશ્ચન હોય, ટેકનિકલ ક્વેરી હોય તો તમે એમનો કોન્ટેક્ટ કરો, એ તમને એકદમ સારી રીતે હાલ જે પ્રેક્ટિકલી તમને જોયું હશે આ લેક્ચર જે આપ્યું એ રીતે તમને એ લોકો જવાબ આપશે. આ કાર્યક્રમમાં ઉપસ્થિત આપણા જે મહેમાનો છે એમનું હું આભાર માનું છું કે એમને આટલા સમય સુધી એ લોકો આપણા સાથે જોડાયેલા છે અને જે બીજા ખેડૂતો છે જેમને ખરેખર બહુ રસપૂર્વક આપણી તાલીમમાં જોડાયેલા છે એ લોકોનું પણ હું આભાર માનું છું અને આજે આપણું પહેલું સેશન જે છે એ પૂરું થયું એ જાહેર કરું છું. ધન્યવાદ.